त्यामध्ये, आणि त्याच्या अंतर्गत काही आणखीन कमोडिटीज किंवा काही आणखीन सर्व्हिसेस त्यामध्ये आपण प्रोव्हाइड करतोय. एक वन बाय वन मी आता उद्या त्याचं एक इंट्रोडक्शन आहे ते मी पाठवेल त्यावरती. ग्रेट. आणि इट्स अ इंडिव्हिज्युअल प्लॅटफॉर्म त्यावरती. ओके. म्हणजे आधीच्या याच्यामध्ये माझे काही पार्टनर्स होते तर ते थोडस मी आता थोडस तो ट्रॅक थोडा बाजूला ठेवला. पण आता आय एम क्वाईट कॉन्फिडंट की इट विल बी वर्क. डेफिनेटली त्याच्यामध्ये थोडे लिमिटेशन जे होते माझे प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस रिलेटेड हे थोडेसे मी ब्रेक केलेत. आणि ग्रॅज्युअली वन बाय वन आपण एक एक कॅटेगरी लॉन्च करणार आहे त्यामध्ये. आणि स्पेशली लोकल जे प्रोड्युसर्स आहेत, लोकल मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत किंवा लोकल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत, तर त्यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म बेस्ट असेल. ओके. प्लस जे लोकल कम्युनिटी आहे त्याच्या त्याला आपण याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून घेणार आहोत. इन्व्हॉल्व्ह करणार आहे. ओके. हा, जेणेकरून काही बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आपण त्यांना देऊ शकतो. राईट राईट. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्व्हिसेस आपण त्यांच्या मार्फत लोक एंड कन्झ्युमर पर्यंत पोहोचू शकतो. एंड कन्झ्युमर पर्यंत. अँड इट्स अ रिटेल अँड होलसेल बोथ प्लॅटफॉर्म. ओके. म्हणजे रिटेल अँड होलसेल ही कन्सेप्ट फक्त काही लिमिटेड प्रोडक्ट्स मध्ये होतं असं नाहीये. कॅन बी हॅपन इन सर्व्हिस ऑल्सो. तर मी एक गोष्ट आता लॉन्च करेल एक लोकल्स त्यामध्ये. आणि युएस आर्थिक कम्युनिटी ग्रुप जी फॉर्म केलाय आपण त्याचा डेफिनेटली मला फायदा होईल. आणि माझ्याकडून डेफिनेटली कम्युनिटी साठी काय देता येईल का कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्ह्यू तो पण मी तसं काहीतरी मी डिझाईन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. फॅन्टॅस्टिक. डेफिनेटली डेफिनेटली. चलो ग्रेट. So guys, just quickly I'll share the updates. Today in fact it happened well. Leader Praneet and me, we got connected at 7 PM and quickly, jyada time nahi laga, but 10 minute mein Vikas, Praneet ne aur maine humne discuss kiya ki ab tak ke kya kya hua pichle week mein aur kya kya expected hai, kahan pe kuch bottleneck hai, kuch problem hai. To yahi expected hai, matlab see we all have the challenges of time, but 10 minute mein at least hum quickly usko leader ne milkar review kar lena chahiye. So first thing, today the positive side is that leadership ab thoda thoda improve ho raha hai. Jaise maine aapko first meeting ke din bola tha ki it will take its shape. Ye jo hai apne log, it will take its shape. Hum bas usme apna apna contribution karenge, but it will evolve aur bahut acha hoga wo. To wo ek cheez acha ho gaya aaj, leadership. Second thing is I have gone through the Excel sheet and last time to mujhe ek bada bura laga tha, main honestly bata raha hu, but last time we comparative ab kafi cheeze update ho gayi hai wahan par, but still we are struggling. Still abhi bhi thoda sa bahut logo ne wahan pe update nahi ki hai. To make sure that everyone update, kyunki Excel sheet mein pata chalega har insaan ko ke dusra community member kis business mein hai, उसका क्या एग्जैक्टली नीड है और वो कहां कहां हेल्प हो सकता है. तो जिस दिन हमको मुंह जुबानी याद हो जाएगा उस दिन समझ लो कि नाउ वी आर अ कम्युनिटी, नाउ वी आर अ फैमिली. तो इसलिए एटलीस्ट आई होप अभी सबको एक दूसरे के नाम तो भी पता है होने चाहिए, मतलब और हर इंसान क्या बिजनेस को रेफर कर रहा है वो भी पता होना चाहिए. सो दैट इज द अपडेट. अनदर थिंग इज पॉजिटिव साइड में ये है कि टुडे इट्स आवर 1 month बर्थडे. हम सब ने मिलकर ये जो कम्युनिटी का सोचा है इसका आज देखा जाए तो 1 month, इट्स 1 month ओल्ड एंड सक्सेसफुली वी हैव अकम्प्लिश्ड 4 मीटिंग्स. एवरी वीक मीटिंग इज अ चैलेंज फॉर यू, इट्स चैलेंज फॉर मी एज वेल, बट वी हैव एग्जीक्यूटेड और हम सब ने इसको कर दिखाया. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट पैट ऑन यूर बैक के चलो किया हमने. हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, जॉब लाइफ को मैनेज करके वी मेड आर उसमें बस आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चारों मीटिंग्स की, बट आई थिंक सौरव एंड वसुधा हैज अटेंडेड 4 मीटिंग्स, नेहा आल्सो 4 मीटिंग्स. हाँ, नेहा आल्सो 4 मीटिंग्स, विकास आई थिंक 3 मीटिंग्स एंड योगेश वाजपेयी इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द सेकेंड मीटिंग. सेकेंड. एंड सचिन वहिले इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज योर सेकेंड मीटिंग. सो But anyways, that's good. That's good. I understand. Kabhi aise ho sakta hai ke, there might be some personal or kuch aur aapke agenda hai. But make sure karna hai ki we make it happen. Because agar iska thoda sa bhi momentum lose ho jayega, to we might have to then make some changes. Chalo. So, aaj ka jo agenda hai, I'm sure ki you all have been communicated. So, today it's my turn. And the agenda
the structure of today's meeting is I will be sharing some ground level insights about the present situation on COVID-19. So I think आप में से योगेश और विकास को शायद पता नहीं होगा बट मैंने अभी जो लेटेस्ट बैच ग्रेजुएट हुई जिसमें नेहा है सौरभ है तो लास्ट दिन मैंने उनको एक आई डोंट नो आई होप इट वाज इंस्पायरिंग मैंने उनको एक मेरे पर्सनल लाइफ की एक रियलिटी साइड बताई और उससे मैंने रिस्क को कनेक्ट किया. अब उसी रेफर पर मैं आज के कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. इन द सेंस टू मेक इट सिंपल माई वाइफ she has joined a COVID center. It's a quarantine center. It's not a direct, जहाँ पे corona positive cases नहीं है, but वहाँ पे asymptomatic patients है. So now she has joined a job over there. Now you can treat it that it's a need of the hour as a doctor and even to support me for the business. It was a risk. It was a big risk. जैसे मैंने batch के last session में बताया, because she going over there, chances है कि she might get infected. And she can bring that infection at our place. Or I have a small daughter and my in-laws are also there. So risk hai. But that's what is, that's what is inspiring, I feel. Ke, or that's what can be an example for you, some of you maybe. Ke risk taking isko bhi bolte hai. Ke jaan ki risk lekar aap, agar aapke dhande ko bachane ke liye ya usko next level pe le jane ke liye agar try karte ho, to God is there with you. Okay, So guys, today's agenda is, since she has started working from almost 1 week now, I think last Saturday was her first day and today exactly she has completed 6 days. Ab tak ke jo COVID-19 related cheeze aapne suni ya padhi, it is based on what you watch either on the news, on TV, or you watch somewhere on the mobile or, on the internet. But if I'm not wrong, this is probably the first time, at least for me it was the first time, because I know ke media ka impact kitna zyada hota hai brain pe. I know ke politically bhi kuch cheeze cook ki jati hai jo common man ko nahi samajh mein aati hai. I know ke high level pe businesses bhi kuch is tarah work karte hai ke usually common man struggle karta hai. I mean most of the time we are not aware what exactly is happening at the top. To main COVID-19 ke badhte hue cases ko lekar exactly क्या हो रहा है क्योंकि because I am being an entrepreneur, being a startup mentor, I was from the day one only concerned about the economy. Health is anyways a risk. Health was never a, ऐसा कुछ foolproof 100% ये कुछ नहीं होता है. But what I want to conclude is कि जब आज तक जो भी हमने सुना पढ़ा that is based on what we have read, जिसमें शायद कुछ सच्चाई हो सकती है कुछ सच्चाई नहीं हो सकती है. अब ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर देर आर सम इंफॉर्मेशन देर इज सम इनसाइट विच आई वॉन्टेड टू शेयर क्विकली. आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज कोविड इज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक विच एज एन एंटरप्रेन्योर वी शुड शेयर. बट द रीजन इज कि नाउ ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये अभी अपने को पता चला. एंड आई फील दैट वी एज अ कम्युनिटी शुड फील ब्लेस्ड दैट वी हैव वन डॉक्टर इन हर कम्युनिटी हु इज एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग हर लाइफ एंड ऑफकोर्स हर फैमिलीज लाइफ. और उससे हमको ये अंदर की बातें पता चलने वाली है. So I hope you are excited to know this. See, because what I have observed na ki jab COVID-19 aaya aur jab lockdown announce hua to sab ke liye it was a shock. I mean I am talking only from a entrepreneur perspective and economic perspective. So when COVID-19 came in India, at least in Pune, and when the lockdown was announced, it was a shock. No entrepreneur was prepared. At least, the startups and small and medium scale. I'm not talking about the multinational companies. Maybe they might be aware. Shayad unko pehle se pata hoga. But no startup was aware. No, employee was aware. Sab ke liye ek shock tha. Ab COVID-19 corona itna problem nahi hua jitna lockdown problem hua. Lockdown bhi agar shayad chalo 8-10 din, 15 din hota, to that would have been digested. Kyunki main bhi 22 March ko jab announce hua, main bhi I think 18 मार्च से मैं लॉकडाउन में था बिकॉज सिंस शी इज अ डॉक्टर तो शायद इन्फॉर्मेशन पहले ही आ गई थी. तो 15 मार्च से लॉकडाउन में था और 30 तारीख तक मैंने अपने आप को संभाला एज एन एंटरप्रेन्योर. बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू 1 अप्रैल से मेरी भी हट गई थी बिकॉज लॉकडाउन आई पर्सनली फील लॉकडाउन वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर इकोनॉमीज हेल्थ. ऑल्दो इट वॉज गुड फॉर पब्लिक्स हेल्थ आई डोंट नो इट हैज नॉट प्रूव्ड येट बट लॉकडाउन वॉज नॉट रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर
economy's health. And that's the reason jobs have lost, businesses have lost, and there are so many things happened, which you already know. तो तब किसी ने बताया नहीं था कि कितने दिन रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं. सब अपने अपने हवा में कुछ कुछ यू नो एस्टिमेशन दे रहे थे. इवन इन सम ऑफ माय इंटरव्यूज मुझे लोग पूछते थे कि आपको क्या लगता है कब तक रहेगा. सो नोबडी वाज अवेयर. बट टुडे इन दिस मीटिंग व्हाट आई विल बी शेयरिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड ऑब्जर्व एंड व्हाट वैदेही दैट इज माय वाइफ व्हाट इंफॉर्मेशन शी हैज शेयर्ड और हमने उस पर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया. तो बेस्ड ऑन so basically she is going to a quarantine center jahan pe 150-200 patients hai but these are asymptomatic patients. ab 8 din wahan pe rehne ke baad us environment mein rehne ke baad of course unko ppe kit pehnna padta hai and then you know unko wo sare precautions follow karne padte hai. even when she come at home hamare kafi precautions hai. her bathroom is different, hamara bathroom alag, hamara room alag, mera aur meri beti ka unka alag, khana banane sab change ho gaya lekin risk to hai. So based on that facts, first thing, all of you guys, here, thoda sa positive, thoda sa negative, but most importantly, it is the realistic side, jo humko samajhni hai. First thing is, ke corona ke jo cases hai, ye genuine hai. Matlab beech beech mein aisi thodi afwah thi, kuch logo ko doubt tha ke China ne create kiya hai and all that stuff. To reality ye hai ke yes, virus is there, thoda sa dangerous hai. उसके उसका डेंजरस साइड यही है कि वो कम्युनिकेबल है ज्यादा. मतलब वी मीट एंड देन आई यू नो मेरा वायरस आपके अंदर जा सकता है. तो ये उसका चैलेंजिंग पार्ट है. सेकंड साइड इज के पेशेंट्स है, केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर्स आप सबको पता होंगे. नहीं पता होंगे तो बहुत अच्छी बात है. नंबर्स में नहीं जाना है कोरोना वायरस के, खुद के सेल्स के नंबर में जाना है. सो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. पॉजिटिव न्यूज ये है which we have to take it with a pinch of salt. I mean, all our entrepreneurs. Ke mortality rate bahut kam hai. This is the fact, this is the reality. Jo shayad media mein kam dikhai ja rahi hogi because media has their own objective. Har ek ka dhanda hai yaar. Har ek ka dhanda hai. Har ek ka pet hai. Har ek ka apna perspective hai. Har ek ka perception hai. To media kya bata raha hai? Don't get into that. Reality is, ke cases hai. Cases badh bhi rahe hai. Lekin mortality rate jo hai, wo bahut kam ho raha hai. Thanks to Indian government and all the measures taken, जितने भी COVID के quarantine centers बनाए जा रहे हैं, उसके वजह से अभी mortality rate और कम हो रहा है. Sad, but जिनका age ज़्यादा है, let's say above 50, above 55, उनके immunity system कम होने की वजह से उनको जल्दी infect करता है और उनके death के chances है. ज़्यादा है ऐसा नहीं है, सिर्फ है. हम लोगों के chances, मरने के chances बिल्कुल नहीं है. I mean 0.1%. तो इससे कंक्लूजन ये होता है कि पहली बात तो हम सबको एज एन एंटरप्रेन्योर अपने मन से वो डर तो निकाल देना है, क्योंकि डर डरना ही होता तो एंटरप्रेन्योर क्यों बनते. क्योंकि डर के आगे जीते ना, वो बोलते हैं हम, राइट. सो पहली बात तो मरने का डर निकालना है. ये है फर्स्ट इनसाइट. सेकेंड इनसाइट ये है कि अब लॉकडाउन अनलॉक ये ज्यादा होने वाला नहीं है. आई मीन लॉकडाउन नहीं होने वाला है. अभी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो चुका है और अभी ऑलमोस्ट दिस इज द नीड कि नाउ वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट कोरोना वायरस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड वी शुड मूव. वी शुड नॉट वेट एंड वॉच. हाँ, अगर आपका काम डिजिटल है, अगर घर से पॉसिबल है, इफ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड और लेट्स से जैसे हमारा काम थोड़ा पॉसिबल हो रहा है, तो अगर आपका घर से पॉसिबल हो रहा है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप घर से ही करो. लेकिन उससे आपके सेल्स पर, रेवेन्यूज पर, आपके मेंटल लेवल पर इंपैक्ट हो रहा है. So this is the time, now you should be out. Now this is probably applicable to Clutch Hill, which I am, if I am not wrong, Clutch Hill already they have started going to office. This is also applicable to Wish Funda. Now Wish Funda, you can also with some precautions and with some permissions, you can take your offline some events. Jahan pe aap 5-7 logo ka, you know, ek mob bula sakte ho, you know, mask pehen ke, thoda unko distancing maintain karke, thoda bahut karke, aap wo kar sakte ho. And I feel it's a great news. I mean, for Clutch Hill, it's a great news. Wish Funda, it's a great news. Vikas ke case mein toh, as I know, already Vikas ka, you know, offline based hi hai. Toh unko toh chandni hai actually, dekha jaye toh. Sachin ka, abhi jo latest wala hai, usme thoda sa, but Sachin, aapke liye bhi bata do ke, shadiya wagera bhi sab normal hai. In fact, lockdown mein logo ne shadiya ki. That was insane. But yes, that's how it is. We are Indians and we are amazing. So what I want to say over here is कि एक लॉकडाउन नहीं होने वाला है,
एंड वी ऑल शुड एंजॉय. दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव न्यूज. आगे भी होने के चांसेस कम है. 1% चांस है अगर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर बहुत ज्यादा डेथ होने लग गए, तो शायद वापस गवर्नमेंट लॉकडाउन का थॉट दे सकती है. लेकिन बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, जितना मैं यू नो, क्योंकि रिसर्च की टीम भी उनके साथ काम कर रही है, मेरे वाइफ के साथ, तो उनके थ्रू पता चल रहा है. अनदर ग्रेट बिग न्यूज विच आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट सीरम इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विद ऑक्सफर्ड, उनका काम चालू हो चुका है, करोड़ों में वैक्सीन बनाना भी चालू हो गया है. तो एस्टिमेशन ये है कि बाय डिसम्बर, ध्यान से सुनो, कोई सितंबर बोल रहा है, कोई अगस्त बोल रहा है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर ये बोल रहा हूँ कि बाय डिसम्बर और वर्स्ट केस जनवरी विद द न्यू ईयर द वैक्सीन विल बी आउट इन द मार्केट एंड देर आर ऑलमोस्ट 50-60 कंट्रीज. ये तो मैंने पढ़ा है एक्चुअली, इसका रियलिटी थोड़ा डाउटफुल है, बट देर आर 50-60 कंट्रीज हु हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वैक्सीन्स. बट आप ये मान के चलो, आपका माइंड प्रिपेयर ऐसे करो कि दिसंबर तक या जैन तक वैक्सीन की कितनी भी न्यूज आने दो, बट वैक्सीन नहीं आएगा. सो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. टुडेज एजेंडा, एज आई सी एट फार्मर्स हैज जॉइंड, टुडेज एजेंडा इज आई एम गोना टेल यू कि नाउ इट इज टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोरोना वायरस, राइट, फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि पहले झटका पड़ा, बट अभी झटका नहीं है. अभी इट्स टाइम के इसके आगे का रोड मैप जो भी आप बनाओगे इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स प्लान, मार्केटिंग प्लान, फंडिंग प्लान, जॉब छोड़ना है, चालू रखना है, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, अब ये चीज आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही डिसाइड करनी है. सो फर्स्ट इज वायरस इज देयर, केसेस है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है. सेकेंड इज मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं. थर्ड इज केसेस पिछले 5-6 दिनों में पुणे में कम है, जहां पे माय वाइफ जहां पे जा रही है ना, आई मीन शी गोज टू बालेवाड़ी, तो बालेवाड़ी का जो क्वारंटाइन सेंटर है उस हिसाब से केसेस पिछले 5-6 दिनों में कम हुई है, बट इसका कोई डायरेक्ट रिलेवेंस उन्होंने बताया नहीं है. पॉइंट नंबर 4, वैक्सीन ये जैन फेब तक आ जाएगी, या फिर वर्स्ट केस आप डिसंबर पकड़ लो, डिसंबर जैन तक आ जाएगी. लॉक अनलॉक का इश्यू अभी ज्यादा नहीं रहेगा. इफ सम ऑफ यू आर गोइंग आउटसाइड, मतलब बाहर आप काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि स्पेशली बिकॉज आईटी पीपल घर से ही काम करे, तो उनको बाहर का ज्यादा पता नहीं है. तो बाहर का बता दूं कि नाउ थिंग्स आर नॉर्मल, रेस्टोरेंट्स आर ऑन, मॉल्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड, देन मूवीज थिएटर स्टार्ट हो रहे हैं. बाय द वे चाइना ने पिछले महीने में ही थिएटर स्टार्ट कर दिए, और यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे एक जन बैठा है 3 सीट छोड़ के, 30% ऑक्युपेंसी, द सेम रूल आई थिंक इज एप्लीकेबल इन द ऑफिसेस. तो ऑफिसेस स्टार्ट हो गए, शॉप स्टार्ट हो गए, मॉल स्टार्ट हो गए, मार्केट प्लेस स्टार्ट हो गए, बाकी एसेंशियल्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हुए ही थे, मतलब उसमें तो कोई ज्यादा इशू नहीं. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता होगा, ओनली पॉजिटिव न्यूज, नॉट करोना पॉजिटिव. इफ यू थिंक दैट चलो ये भी स्टार्ट हो गया है, वहां पे भी है फ्रॉम अ एंटरप्रेन्योर, तो आप चैट बॉक्स में लिखो उसको, या फिर यू नो मे बी बाद में यू कैन शेयर. तो ग्रेट न्यूज इज कि वैक्सीन आ रही है, बट आपको दिसंबर तक का आपका माइंडसेट बनाना है कि दिसंबर तक शायद चीजें थोड़ी ऐसी चलेगी. जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जो डरना अफोर्ड कर सकते हैं, वो घर बैठेंगे. स्पेशली आईटी पीपल जो थोड़ा सा डरते इसलिए है बिकॉज दे आर ऑलवेज यू नो इन अ कुशन्ड वर्क, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, उनका ऑफिस, उनका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स, और उनको घर से काम करना पॉसिबल है, तो ये लोग इमीडिएटली बाहर नहीं निकलेंगे, दे विल टेक देयर ओन टाइम. किसी को डरिंग, आज की बात बता देता हूँ, अभी सुबह बारिश चल रही थी, मैं बालकनी से जस्ट नीचे देखा 2 मिनट, तो एक 70 साल का इंसान, आई मीन वृद्ध होते 70 वर्षाचे, 70 years old मैन, विदाउट यूजिंग अ मास्क, विदाउट यूजिंग अ रेनकोट और व्हाट यू कॉल अम्ब्रेला, ही वॉज बिंदास गोइंग, बारिश गिर रही थी. मैं बोला मेरी बेटी को के देखो ऐसा भी है, मतलब सो इट इज अबाउट, क्योंकि लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इकोनॉमी का थोड़ा सा स्ट्रगल चलेगा. इकोनॉमी ये इसीलिए, सी वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमीज ये इतनी स्ट्रांग इसीलिए थी बिकॉज दे बिलीव्ड इन द कंज्यूमरिज्म, एंड दैट्स द रीजन बहुत सारे कंट्रीज ने लॉकडाउन अनाउंस किया ही नहीं था. इंडिया की इकोनॉमी भी पिछले कुछ सालों में इसीलिए अच्छी बन रही थी बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व, सब जगह पे भीड़ थी, अब वो भीड़ एकदम से घर पे बैठ गई थी. तो शॉप्स चालू हो गए, मॉल्स चालू हो गए, थिएटर्स चालू होंगे, कस्टमर्स बाहर थोड़े थोड़े निकलना चालू हो रहे हैं, थोड़े थोड़े. अब ये थोड़े थोड़े का कोई क्वांटिफाइड मेरे पास फिगर नहीं है, बट इफ आई जस्ट हैव टू गिव यू समथिंग अ पॉजिटिव वाइब, तो पिछले महीने से ये महीना कंपैरेटिवली बेटर है.
और अब इसके आने वाला, इसके आगे आने वाला वक्त तो इससे भी बेटर रहेगा. सो ओवर एंड ऑल लेट्स से के बाय ऑगस्ट एंड एंड बाय सितंबर ये चीजें और भी धीरे धीरे आपको नॉर्मलाइज होते हुए दिखेगी. मतलब शायद ऐसा भी होगा कि वैक्सीन का कोई एकदम नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड इज नॉर्मल. मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं. वैसे भी आपके आई थिंक फेसबुक फ्रेंड्स होंगे तो आप देख रहे हो कि कुछ लोग आउटिंग पे भी जा रहे हैं. सो समहाउ टूरिज्म इज बैक, समहाउ होटल्स आर यू नो गेटिंग ओपनड अप. इनफैक्ट पिंपले सौदागर से आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर, क्लच हिल इज देयर, एट फार्मर्स इज देयर. या सो इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक वो चस्का या जायका नाम से कुछ चाय और मिसल का आउटलेट है, तो वहां पे तो मैं पिछले दो महीने से देख रहा हूँ कि भीड़ रहती है वहां पे. सो इफ यू लास्ट मी कि अरे विक्रम दिस इज स्टुपिडिटी, दैट्स देयर चॉइस. लोगों को लॉकडाउन फॉलो करना है नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है नहीं करना है, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है. सरकार ने दो महीना तीन महीना रूल्स डाले, लेकिन अब इट इज इंडिविजुअल. इसीलिए गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बना रही है कि अभी इकोनॉमी तो ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके वजह से केसेस बढ़ भी गए तो फिर वो इस पे डाल देंगे, मतलब क्वारंटाइन करेंगे, ये करेंगे. और वैसे भी ट्रीटमेंट्स भी काफी अवेलेबल है. आई मीन इफ एनी वन ऑफ यू और योर फैमिली रिलेटिव नीड एनी हेल्प इन रिगार्ड्स टू दैट, तो माई वाइफ विल एटलीस्ट गाइड यू ऑन दैट कि यू नो आयुर्वेदिक क्या क्या लेना चाहिए एंड ऑल दैट. बट यहाँ पे आज का एजेंडा ये है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नाउ वी कैन होप फॉर सम मोर पॉजिटिविटी टू हैपन बिकॉज द वैक्सीन इज गेटिंग आउट, बिकॉज द मॉर्टेलिटी रेट इज कम, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी मीडिया का इम्पैक्ट भी कम हो रहा है लोगों पे. क्योंकि पहले दो तीन महीना पीपल वर लाइक गेटिंग क्रेजी, अरे इतना केसेस बढ़ गया, अरे इतना बढ़ गया. अभी पीपल हैव समहाउ एक्सेप्टेड कि कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, शायद छह महीना, शायद एक साल, शायद डेढ़ साल, ये शायद ही है. बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो उतना भी डेंजर नहीं है. इट वॉज समहाउ थोड़ा सा वो मेरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ था और उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे हुआ है, जॉब्स पे, बिजनेसेस पे. नाउ कनेक्टिंग टू द स्टार्टअप्स और द अर्ली स्टेज बिजनेसेस, वी ऑल फैक्ट ये है कि हम सब ने इसमें छलांग इसीलिए मारी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वॉरियरशिप है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीजें हैं जो शायद हमारे जॉब के कलीग्स या हमारे कॉलेज के कलीग्स में नहीं थी, इसीलिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप चुना. कहीं ना कहीं हमको भी पता था, शायद किसी ने बताया था, सुना था, कहीं पढ़ा था, और अगर नहीं था तो आप सब लोगों को तो मैंने हर बैच के पहले सेशन में यही बताया था कि इट इज अ टफ थिंग टू डू, सब लोगों की बस की बात नहीं है, इसीलिए कुछ कम लोग कर पाते हैं और इसीलिए आप ये कर पा रहे हो. इनफैक्ट ऑन दिस नोट I also want to congratulate each one of you, including me, कि हमने ये पिछले तीन महीने में खुद को survive किया. It was very tough for me also. It was very tough. In fact, जब हमने ये decision लिया कि my wife will go, मतलब वो मौत के मुंह में हाथ डालने वाला decision हुआ. But then we said कि this is for the business. पौने चार साल मोटा मोटा you know on paper हो रहे यूर सारथी को, तो पौने चार सालों में भी बहुत सारे छोटे मोटे कोविड आए. ये थोड़ा सा बड़ा था. उसी तरह जितने भी फुल टाइम एंटरप्रेन्योर है, जो मुझे पता है, क्लच हिल, यू डिड इट फॉर 3.5 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 years यू गाइस स्ट्रगल्ड. एट फार्मर्स, विकास आपकी स्टोरी मुझे पता है, पहले अप फिर डाउन फिर वापस अप, और आपका टाइम चालू हो चुका है. एट फार्मर्स एज आई नो यू हैव एन अमेजिंग टाइम गोइंग ऑन. आपका भी यू नो थोड़ा बहुत, सेम विथ सचिन वहीले, सेम विथ योगेश एंड सेम विथ नेहा, कि कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बने, त्याचा सटीस तुम्ही हे करायचं ठरवलं. सो प्रॉब्लम्स इज द पार्ट. अब कोविड एक प्रॉब्लम बन के ही आया है ना, हमने चाहा नहीं था, ना चाहे थे हमने वो सारे प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉय का छोड़ने के जाना, सेल्स का अपडाउन होना, कस्टमर के प्रॉब्लम्स, पेमेंट का डिले होना, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यू ऑल आर एक्सपीरियंसिंग दैट. तो हमने चाहा नहीं था, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आए. द बेस्ट पार्ट इज कि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किए, समहाउ विद द इंटेलेक्ट, विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एंड समहाउ विद द पेशेंस, समहाउ वेट एंड वॉच. अब कोविड 19 ने भी आपको टेस्ट किया, आपके मेटल को, आपके ड्रीम को, आपको सच में करना है या नहीं करना है, इसको कोविड 19 ने टेस्ट किया और अभी भी थोड़ा टेस्ट कर रहा है. इसको और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो बड़े एग्जाम थी ना अपनी 10वीं 12वीं की, तो वो एग्जाम में जो हार्ड हार्ड पेपर थे
ऐसे समझ लो कि हार्ड पेपर खत्म हो गए हैं. मुझे याद है मैं जब 10वीं में था ना, मेरी मॉम हमेशा बोलती थी, मेरे 3-4 पेपर हो जाने के बाद मैं थक जाता था कि आईज होप होत नहीं है, नींद नहीं हो रही है, तो मम्मी बोलती बस बेटा, मराठी में मैं बोलता हूँ कि हत्ती गेला आता शेपूट राहिला. योगेश एंड सौरभ आपके लिए, मॉम यूज टू से कि हत्ती गया अब से पूछ रही है. इसका मतलब है कि जो मेजर संकट था हमारा, हम सबका जो मेजर वरी था वो भी गया, अब छोटे मोटे प्रॉब्लम है. मतलब अब जस्ट यू नो लेट्स से अगले एक महीने में अभी बस थोड़े थोड़े लोग बाहर निकलना चालू हो रहे हैं, थोड़ा स्पेंडिंग लोगों का हो रहा है, तो ऐसे समझ लो कि अभी बस आखिरी एक महीना है, मैक्सिमम 2 months, 3 months, एंड दिस इज माई गारंटी. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड दिस विल बी अगेन अपलोडेड ऑन YouTube. दिस इज माई गारंटी कि दिवाली तक एवरीवन विल बी नॉर्मल. दिवाली तक एक्चुअली लोग दिवाली मनाएंगे इस बार. गवर्नमेंट विल टेक इट्स यू नो, गवर्नमेंट जो रोल प्ले करना है वो करेगी. हेल्थ वाले पीपल विल टेक प्ले देयर रोल. सम पीपल यू नो घर पे रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा डरे हैं, बट दिवाली विल बी ग्रेट एंड दैट्स हाउ वी विल बिकम अ नॉर्मल इकोनॉमी अक्टूबर से आगे, नवंबर दिसंबर से आगे. एंड लेट्स से बाय दिसंबर अगर वैक्सीन भी आ जाता है तो जनवरी 2021 तक थिंग्स विल बी अमेजिंग. अब सवाल है कैसे निकाले ये 2-4 महीने. सो गाइज देखो, मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अर्लियर वेंचर में, इस वेंचर में भी. अगर कंपेयर करोगे तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि ये मेरे लाइफ का, बिजनेस का सबसे टफ पार्ट है या टफ टाइम है, आगे जाके अच्छा होगा. लेकिन जैसे जैसे आगे गए पता चला कि इससे भी टफ, इससे भी टफ, इससे भी टफ. और जब मैं सारे उन सिचुएशंस को कंपेयर करता हूँ तो आई फील दिस इज द टफेस्ट टाइम बिकॉज आई लॉस्ट माई सम ऑफ द की पीपल. जैसे आपको पता होगा संकेत हैज यू नो ज्वाइंड अनदर कंपनी, विवेक हैज स्टार्टेड हिज ओन. I lost my office because 2.5 महीने के बाद owner was not cooperating, so I decided. Then fortunately Pranit has taken over. Pranit ने वो सारी चीजें भर के निकाली जो शायद 2-3 team मिलके करते थे. And then I have you guys. So this is probably the toughest. So guys, what I want to convey through my experiences, के toughest time is to test you. Toughest time is to make you strongest. And toughest time are to actually make you think more. मतलब ये टाइम है जिसपे आपको contemplate ज्यादा करना है, reflect ज्यादा करना है, सोचना ज्यादा है. और toughest time is to make to guide you that you should take some hard decisions. ये बात को ध्यान से सुनो. Toughest times are to make you realize कि अब कुछ hard decisions लेने का वक्त आ गया है. Now that hard decision can be just आपके शॉप को छोड़ना, या फिर इन्वेस्टमेंट्स को कम करना, या फिर जैसे मैंने क्लच हिल को गाइड किया था कि शायद आपका फिजिकल सेंटर ऑफिस को बंद करना, शायद एट फार्मर्स के भी केस में माइट बी, हाँ आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, एट फार्मर्स के भी केस में शायद. तो कॉस्ट कहाँ कहाँ बच सकती है, आपको बहुत ज्यादा नीचे आने की जरूरत है. मैं बहुत नीचे आया गाइज, मैंने 7 लोगों की टीम से लेके नाउ वी आर जस्ट टीम ऑफ 3 पीपल. ऑफिशियली 3 मतलब सिर्फ मैं, प्रणीत और वैधी. ऑफ कोर्स संकेत और विवेक तो हमारे एसोसिएट्स है ही, संकेत तो मेरा कजिन है तो वो तो हमेशा है मेरे साथ. बट ऑफिशियली देखा जाए तो पूरा जो जिम्मेदारी है अभी प्रणीत के पास है और मेरे पास है. तो मैंने वो सारी चीजें की जो शायद पहले नहीं करता था. तो इस तरह आपको भी खुद को बहुत अडेप्टिव बनाना है, एंड आई एम श्योर कि आप बना रहे हो. आई नो नेहा इज डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, यू नो मुझे एट फार्मर्स की भी, वैसे मुझे प्रफुल खुद नहीं बता रहा है लेकिन मुझे पता चला है कि बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, मुझे पता चलता है. वैसे बाय द वे आप सबको बता दूं, आप बताओ ना बताओ, लेकिन मैं आपके तरफ ध्यान रखता हूं सोशल मीडिया पे या फिर जहां से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली, सो दैट आई कैन कम अप विद सम सॉल्यूशंस. सो हियर व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि टफ टाइम में आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे. हार्ड कॉल्स इन रिगार्ड्स टू कॉस्ट कहाँ कम की जाए, एंड हार्ड कॉल्स इन रिगार्ड्स टू सेल्स और कहाँ बढ़ाया जाए, और ऐसे कौन से काम लिए जाए जो शायद आपके विजन में, आपके ड्रीम में, आपके पैशन में नहीं बैठते हैं लेकिन वो करने पड़ेंगे अगर आपको धंधे को बचाना है तो. मतलब फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि मैं अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ. मेरा यूएसपी था स्टार्टअप कोचिंग, बिजनेस मेंटरिंग, बट आई एम कमिंग विद सम न्यू थॉट्स, सम न्यू आइडियाज. ठीक है, वैसे मे बी जैसे सचिन वहिले का, एज आई नो सचिन वहिले जब फर्स्ट 3rd बैच में आया आज से 1.5 साल पहले, तब उनका आइडिया कुछ और था. But now they are, you know, somehow pivoting it. विकास के केस में, एट फार्मर्स के केस में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है उसी को आपको अभी मैनेज करना है, एंड आई एम श्योर कि उसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे. क्लच हिल, विश फंडा, योगेश, आपको शायद कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे.
अब वो हार्ड कॉल्स क्या है वो आपको इंडिविजुअल बेसिस पर सोचने पड़ेंगे, इफ रिक्वायर्ड आपको कुछ यू नो अपने लोग की मीटिंग में मुझे पूछने पड़ेंगे या एक दूसरों से पूछने पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज दिस सिचुएशन. क्योंकि सर्वाइवल इज द ओनली पर्पज, सर्वाइवल इज द ओनली पर्पज, ये मंत्रा लेके जो जो एंटरप्रेन्योर्स कंपनी को टिकाने की कोशिश करेंगे बस उनकी कंपनीज सर्वाइव होंगी. अगर आप सोचो कि नहीं मैं एक्सपांशन करूंगा, मैं स्केल अप करूंगा, मैं कुछ नया करूंगा क्योंकि मेरे माइंड में आया है, नया आप तब करो जब आपको लोग मांग रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रेनिंग देते देते कोई बोलता है कि विक्रांत सब्जी भी प्रोवाइड करो, आई मीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड करो, तो वो मेरे लिए नया है लेकिन वो मैंने करना चाहिए बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. तो आपके माइंड में नया कुछ भी आने दो लेकिन अब आपका मिशन होना चाहिए सर्वाइवल. बिकॉज इस पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज have filed for bankruptcy. बहुत सारे startups तो कुचल गए हैं, खत्म हो गए हैं, dead. Forget about their innovative ideas and all. Anyway, startup का success ratio बहुत कम है, जो मैं आपको पहले session से बताता हूँ. तो इस time पे आपको ये सोचना है कि आप survive कैसे होंगे. When I say survive, it means that mentally you are ready. चलो भाई December क्या? मैं तो March तक तैयार हूँ. बोलो क्या करने का है? विक्रांत बोलता है कि December तक रेडी रहो, मेरा बिजनेस और मेरी लाइफ ये मार्च तक प्रिपेयर्ड है. होने तो कोविड पिविड, बढ़ने तो केसेस, मरने तो लोगों को, बट मेरा बिजनेस और ऐसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड. तो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर डिसंबर, ठीक है? तो डिसंबर तक ये ग्राउंड रियलिटीज के बेसिस पर ये मेरा डायरेक्ट सजेशन है आपको कि डिसंबर तक कोविड के साथ जीना पड़ेगा. सो मेक श्योर के हाँ, सो मैं बोला था सर्वाइव. सर्वाइव मतलब एक तो मेंटल लेवल पे कि यू आर प्रिपेयर्ड, फिजिकल लेवल पे मतलब आप प्रिकॉशंस भी ले रहे हो. ऐसा नहीं कि चलो यार रिस्क लेना है तो बिंदास जा रहे हैं, ऐसा नहीं. वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो ग्लव्स पहनेंगे, हम वो मास्क पहनेंगे, हम 10 बार हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, दिस इज तो गाइडलाइन. तो मेंटल लेवल, फिजिकल, क्योंकि ये भी कोई पॉइंट नहीं है ना कि आप मेंटल लेवल पे प्रिपेयर्ड हो, आप सब कुछ कर रहे हो और आपको कोरोना हो गया या आपके एम्प्लॉयज को हो गया, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता है. मुझे आज न्यूज मिली कि हमारे सोसाइटी में एक वेजिटेबल वेंडर को कोरोना हो गया जो सबको प्रोवाइड करता था. तो ऐसा है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क मत लो, ग्लव्स पहनो, जो भी प्रिकॉशंस है वो, लेट मी नॉट वेस्ट टाइम इनटू दैट, बट मेक श्योर दैट जब तक गवर्नमेंट या डॉक्टर्स बोलते नहीं है कि नाउ कोविड इज गॉन, यू कैन ऑफिशियली रिमूव द द मास्क या सैनिटाइजर्स फेंक दो. तब तक आपको प्रिकॉशंस तो फॉलो करना है. सो फर्स्ट सर्वाइवल इज योर मेंटल सर्वाइवल, सेकेंड इज योर फिजिकल सर्वाइवल जिसके लिए प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, थर्ड इज द सर्वाइवल ऑफ योर फैमिली, मतलब बेसिक जो नीड्स है जो वो आपके टेकन केयर होने चाहिए, एंड फोर्थ इज सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस. सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डजंट मीन दैट इट शुड ग्रो कंसिस्टेंटली, हर महीने में इतना होना ही चाहिए धंधा. सेल्स वाइज तो मैं आपको वही बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोविड है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हल्के में लेना पड़ेगा. चलो नहीं हुआ सेल्स, ठीक है एटलीस्ट जिंदा तो रहे, कंपनी को बंद तो नहीं किया, इस तरह आपको सोचना पड़ेगा. हाँ, ग्रोथ शायद स्लो हो जाएगी, शायद माइनस में जाओगे, लेकिन धंधे को बचाना है. क्योंकि ये दुकान मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि सब कुछ यू नो, यू हैव नेवर ओपन्ड अ शॉप इन एन हेवन. वाओ, दिस इज अमेजिंग. यू हैव नेवर ओपन्ड अ शॉप इन हेवन. यू हैव स्टार्टेड योर वेंचर ऑन दिस ब्लडी प्लैनेट, एंड द रियलिटी इज दिस प्लैनेट, दिस अर्थ इज अनसर्टन. इसमें ये सारी चीजें होने वाली है. So, सर्वाइवल ही सोचना है, सर्वाइवल ही मंत्रा होना चाहिए, दैट्स इट. और उस सर्वाइवल के लिए जो जो बनता है वो आप करो. तो जो लोग जॉब में है, जॉब नहीं छोड़ो, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, जॉब के साथ साथ ही करो. जो फुल टाइम बिजनेस में है, सोचो कि और रेवेन्यू मॉडल्स क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाहो. ये मत सोचो कि अरे हमारा ब्रांड रेपुटेशन, काहे का ब्रांड, अरे गोल्ड जिम ग्लोबल जिम है, उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है, वो ब्रांड कहां, आप कहां हो एज अ ब्रांड, मैं कहां हूं, योर सारथी क्या ब्रांड है, कुछ नहीं है हम, दैट्स द रियलिटी. नहीं मुझे ये काम नहीं करना था, मैं तो इसके लिए आया था इस बिजनेस में. ऑफ कोर्स दैट्स द रियलिटी, बिजनेस में आप आते हो कुछ और थॉट प्रोसेस लेके और करना कुछ और पड़ता है. तो सर्वाइवल, नाउ दिस मैसेज इज डायरेक्टली टू क्लच हिल, विश फंडा एंड सचिन वहीले, बिकॉज यू ऑल आर फुल टाइम. तो मेक श्योर के अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स फटाफट कहां से पैसा बनता है वो बनाना पड़ेगा. Then, after that, अगर उससे भी बनता नहीं है तो आपको कुछ साइड बाय साइड शायद इनकम के लिए जॉब बोलो या कुछ कमीशन बेसिस ये सारे काम करने पड़ेंगे. तो उसको कोई दो राय नहीं. आपको मैं एक डायरेक्ट ऑफर देता हूं जो मैं बैचेस में भी बताता हूं, लेकिन हम उसको ड्राइव नहीं कर पाए. आप मुझे मेरे बैच के लिए आप एनरोलमेंट ला के दो,
और उसमें से जो कमीशन जो परसेंट आपको चाहिए वो आप बस मुंह खोलो और वो आपको दिया। मैं तो आपको ये भी डायरेक्टली शायद बोला हूँ कोई बैच में कि पहले पेमेंट आपके बैंक में लो, उसको एनरोल करो मेरे साथ मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, पहले पैसे आप काटो और फिर यूर सारथी को दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू अर्न एंड सिंस यू आर ऑल माई स्टूडेंट्स तो आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स भी शायद इस कैटेगरी में बैठते होंगे इन आवर टारगेट ग्रुप। ठीक है, रिगार्डिंग योर सारथी के डिटेल्स वो हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आपको पिचिंग कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, बट रेवेन्यू मेकिंग है, इसके थ्रू एक्स्ट्रा मनी आ रहा है तो कमाओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड दैट्स इट। आई गेस मेरा कंक्लूजन यही है कि सर्वाइवल अपना एम रखो, दिसंबर तक कोविड 19 रहने वाला है, वैक्सीन आ गई है लेकिन वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक इट्स ओन टाइम एंड दैट्स इट। आई गेस मेरे साइड से इतना ही था, मतलब यही मैं आपको बताने वाला था कि सम गुड न्यूज एंड सम न्यूज विच यू शुड टेक इट टू बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। मतलब मार्च में जब कोविड आया तो आपको किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, बट अब ये कोविड कब तक रहेगा इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ और अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइज, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्यू एंड ए। If you have any question regarding what I have shared, let's discuss that. And if you have any question in regards to what happened in the last week in your business, sales, marketing, or ya aapko koi bada decision lena hai jisme koi shayad mera opinion chahiye ya fir community ka chahiye, rather hamara jo structure decide hua hai wo aapko pata hai ki aapko agar community ke views chahiye to wo aapko agle Thursday ko puchna hai, but today I am here for you. So if you want any guidance or advice or any input, then just shoot it. मतलब let's start. बस उसका थोड़ा structure देखना पड़ेगा, मतलब okay, you can, I guess randomly you can type in the chat box के you would like to start and we can start with that person regarding questions. You can start. I think Neha has started the video. So Neha, we can start with your question. हाँ तो guys एक बार देख लो, जैसे नेहा ने लिखा है ना, तो बस ऐसे आप भी चैट बॉक्स में लिखो, फिर एक एक क्वेश्चन हम एक के बाद एक लेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो मुझे ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इवन आफ्टर मे बी दिसंबर, मे बी आफ्टर ऑल थिंग्स कोविड खत्म हो गया है, विल पीपल गेट यूज्ड टू ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड बी वेरी कंफर्टेबल की यार अब तो ऑनलाइन की आदत हो गई है, तो मुझे ऑनलाइन सेशन ही दो। This is an interesting question. हो पाएगा क्या? Because I am planning, like you said, you need to keep changing your strategies, keep changing. So I don't know if I can say yeah, but I would like to say कि it could be ना, I could be the platform which provides only online sessions with various experts. हाँ, it could be. But हाँ, because right now when I am yeah continue. मैं just fan लगा रहा था. नहीं, because right now anyways I am building up on sessions, I'm building up on experts. And online का फायदा मुझे ये दिख रहा है कि expert मैं कहीं से भी ला सकती हूँ, मैं customers कहीं से भी ला सकती हूँ. As a point of view of investors tomorrow, it's easily scalable. Yes. यही बैठ के, they are going to be very happy. And it's only that I just have to make a better website, जिससे कि access उनको easily मिले. हो सकता है वेबसाइट में ही ऑनलाइन वीडियोस करने का ऑप्शन रहे जूम के जगह पे, सो एवरीथिंग इज वेरी सेफ एंड सिक्योर, सो ऑल दीस ऑप्शंस आई वाज थिंकिंग कि मैं कर सकती हूँ, बट फ्रॉम यू एंड अदर पीपल, आर डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू बी ओपन अबाउट कि अब मेरे को इसकी आदत हो गई है, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है? ओके ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And yeah. if any one of you want opinion from others as well, so 8:30 ke baad I request that you continue it, hai na? Yeah, sure. Then you can continue the discussion. Theek hai. So see, there are 2-3 things Neha in this. First of all, jaisa maine bataya na ki pehli baat to abhi sirf December tak sochna chahiye. Hamara jo ideas ya hamare thought process ka jo route hai na, usko December tak hi rakhna chahiye. Because December ke aage ki cheeze bahut hi zyada uncertain hai. है ना, मतलब नीदर एन एक्सपर्ट कैन गाइड ऑन इट. अब रहा सवाल मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन दो चीज है इसमें देखो, कि एक तो इंडियंस आर अ काइंड ऑफ यू नो वेरी ट्रेडिशनली ड्रिवन कल्चर है हमारा, और हम थोड़े एडमेंट है एज अ कल्चर, हम एडमेंट है,
इसीलिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज और ऑनलाइन को इतना ले, मतलब दिस इज सो स्ट्रेंज ना कि स्कूल कॉलेज वाले आज भी इतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशंस तो पहले ही आ गए थे, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, हम थोड़ा अपने हिसाब से जीते इंडियंस। तो इवन आफ्टर डिसम्बर ना, अगर कोविड चला गया तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि पीपल वुड लव टू गेट बैक इन टू द ऑफलाइन थिंग्स, पीपल वुड अगेन बी बैक ऑन द ऑफलाइन। इनफैक्ट इसी की वजह से तो आज भी अरे आज छोड़ो, लॉकडाउन में भी लोग बाहर शॉप से खरीद रहे थे सामान, जबकि यू नो एट फार्मर्स जैसे कंपनीज तो डायरेक्टली आपको घर ला के दे रही है, तो आपने किसी ने बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बट इंडियंस ऐसे है कि दे एंजॉय दैट फिजिकल टच, यू नो दैट एक्सपीरियंस, और इसकी आदत अगर उनको लग जाती ऑनलाइन की, तो उसके लिए कम से कम एक दो साल का लॉकडाउन चाहिए था। तो 3-4 महीने में उनकी आदत नहीं बदलने वाली है, जैसे ही लोगों को चांस मिला लोग बाहर जाना चालू हो गए। अब दूसरी साइड इसकी ये है कि यू सेड इट वेरी राइट कि डिजिटल इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, डिजिटल इज ऑलवेज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इट इज स्केलेबल। बट देन आपके केस में यू आर क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस, and experiences digital virtual are not at all that good virtual. Even now if you will ask to Yogesh, I remember Yogesh jab first time join hue Yogesh Bajpayee, to Yogesh ne bola tha ke I was probably the luckiest person who has attended Vikrant's live batch. तो योगेश एक्चुअली उस दिन वो कन्वे करना चाह रहे थे, आई थिंक बर्थडे में आए थे योगेश बाजपेयी, राइट, वो कन्वे करना चाहते थे कि ऑफलाइन की बात कुछ और ही है, हम ऑफलाइन में विक्रांत के सेशंस अटेंड कर रहे हो, और योगेश ने थोड़ा सा ऐसा टॉन्ट मारा आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कि आपने तो विक्रांत को डिजिटली। सो हियर मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज हाउ वी आर ऑफलाइन की बात, और मैं भी पर्सनली उसी कैटेगरी में हूँ, मैं भी बस राह देख रहा हूँ कि किस दिन ये खत्म होगा एंड आई विल बी बैक टू ऑफलाइन, और ऑनलाइन एक रेवेन्यू रहेगा। अनदर एक चीज बताता हूँ, कल मुझे एक ट्रेनिंग असाइनमेंट का प्रपोजल आया है, एक छोटी कंपनी है उनकी सेल्स टीम को ट्रेनिंग देना है, तो मैंने उनको पहले तो ये बोला कि ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, व्हाट इज इन योर माइंड, तो वो बोला कि विक्रांत आपको हमारे ऑफिस आके ही डिलीवर करना है, नाउ दिस विल बी द फर्स्ट ऑफलाइन सेशन मेरा लॉकडाउन के बाद। तो वो बंदा बोला कि विक्रांत वो ऑनलाइन वर्चुअल में मजा नहीं आता है। Now, this is giving you that insight कि कहीं ना कहीं हम वो जो मजा ढूंढते हैं ना, ये तो ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग तो देखा जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या सवाल है, इट इज अ ज्ञान, इट्स एन इंफॉर्मेशन, तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा है तो, बट एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन ही लोग एंजॉय करेंगे। बट फिर सवाल आएगा आपके रेवेन्यू मॉडल्स कैसे है, ऑनलाइन में ऑफकोर्स आपकी कॉस्ट कम है, तो इफ इसको मैं प्रिसाइज करता हूँ, इफ यू आर मेकिंग मोर मनी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन्स इन ऑनलाइन, then you should focus only on online. But as I know you as a my student, you will not enjoy that much. Utna maza shayad aayega nahi aapko. As a, aapko jo kaam karne ka maza chahiye na, wo shayad kam ho jayega. To abhi as of now, December tak focus karo. Abhi anyways, December tak to digital hi karna hai. Ek dusra aap try karke dekho. Anyways, aap I think August mein aap nahi le paoge. Lockdown, matlab ye jo unlock ka rule hai, isme I think aap 5-7 logo ka kuch workshop le paoge. बट वो रिस्क मत लो अभी, इवन अगस्त को खत्म होने दो, सितंबर में तब तक आपको आइडिया आ जाएगा। बट ऑनलाइन इज अमेजिंग, इट इज स्केलेबल, बट इन योर केस इट इज नॉट दैट अमेजिंग, पीपल माइट नॉट एंजॉय दैट मच। हाँ, बट उसमें अगर आप कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस ला सकते हो ना जो ऑनलाइन ही मजा लिए जा सकते हैं, हाँ, तो शायद इट माइट वर्क, बट वो हाँ, बहुत क्यूरेशन लगेगा उसमें आपको। जस्ट आई वांट टू ऐड, कैन आई ऐड? या योगेश, yeah, so as you mentioned my name also, right? So that's what my point of view is always, that if it is face to face, that is better compared to online, because experience, right? So same thing which you mentioned about experience. So this session, suppose it is going on, and then in between I can see a lot of noise from my kitchen, in between my daughter also came here, so that experience and that concentration goes down, right? But if you are in the class and then the same environment is there, and then you're totally focused on that. So experience matters. That experience was matters. My point of view. Yes, you okay. concluded well, Yogesh. And Neha ka to trade ya fir positioning hi experiences ka hai. So as of now, I will be like no against that, you know, online wala thing. बट दिसंबर तक तो फोकस करना है। हाँ, दिसंबर तक के लिए मैंने प्लान किया है, उसके बाद का भी मैं सोच रही थी, बिकॉज़ आई वांटेड टू गिव देम अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। ओके। बिकॉज़ अभी आई एम प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी।
ऑल काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स, अब वो चेन्नई से हो या दिल्ली से हो या आसाम से हो, बट देन टुमारो आफ्टर डिसम्बर दे विल बी लाइक कि अब क्या, आई कैन जस्ट डू इट एवरीवेयर इन पर्सन. इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू आस्क. ओके थैंक यू. उसमें मे बी ऐसा हो सकता है जस्ट कि 80% ऑनलाइन एंड 20% ऑफलाइन. हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आई विल कंटिन्यू ऑनलाइन सेशंस की लिस्टिंग एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट, बिकॉज़ जैसे अभी लोग, कुछ लोग, बहुत लोग नेटफ्लिक्स ही देखते हैं, अमेज़न पे ही देखते हैं, थिएटर्स जाना बंद कर दिया बहुत लोगों ने. हाँ, ट्रू, दैट सेगमेंट वो जाते ही नहीं है थिएटर. हाँ, मेरी फैमिली में बहुत लोग जिन थिएटर जान, जो बहुत थिएटर जाते थे, बिकॉज अभी इतना कम्फर्ट लेवल है, एक हफ्ते में तो आई जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं, वो मूवी नहीं देखी तो कुछ हो जाएगा टाइम. So everyone is now saying कि हाँ Netflix पे आ जाएगी, खुद के घरों में home theater systems लगवा लिए सबने. लगवा लिए, true. हाँ. तो segment, segment देखना पड़ेगा आपको. Yes, चलेगा. Okay, thank you. Okay, next question. And then after 8:30 अगर आपको कुछ नेहा के इस question में और value add करना है तो you guys continue. I mean I would feel great if you guys continue. थोड़ा बहुत नेहा को काफी अलग perspective भी मिलेंगे. So मला एक बोलायचं आहे. हाँ विकास. वर्ल्ड बँकचा जस्ट मी एक न्यूज पण जस्ट शेअर केली आहे. वर्ल्ड बँकचा एक रिव्ह्यू होता, हिंदी मध्ये सांगता येईल का, कारण बाकी लोकांनी कम्फर्टेबल होते. मैंने एक रिव्ह्यू शेअर किया है, एक न्यूज थी वर्ल्ड बँक की. उन्होंने कहा कि 1.6 ऑनलाइन रिटेल का सेल है इंडिया में इन 2019. तो आपने जो बात कही वो सही है कि अगर हम 20% फोकस ऑनलाइन करेंगे और 80% इस पे करेंगे, बेसिकली रिटेल और जो प्रोडक्ट बेस और मे बी कुछ सर्विस बेस इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. मे बी थोड़ा वैसा ही सोच रहा कि 80% वी हैव टू डू ऑफलाइन, क्योंकि जो लुक कैन फील और जो एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन से ही ज्यादा मिलता है. थैंक्स फॉर शेयरिंग विकास. इनफैक्ट यस, मतलब 2019 तक का डेटा ये बोल रहा है कि 1.6% मतलब टोटल सेल्स के सिर्फ 1.6% ही ऑनलाइन सेल है इंडिया का. तो देखो आप, और लेकिन 2020 में ये बिकॉज ऑफ COVID-19 और बिकॉज ऑफ यू नो ये लॉकडाउन की वजह से ये शायद गया होगा, बहुत खेच तान के 5-7% गया होगा. ओनली 5-7% पीपल, वो भी उसमें से एक कैटेगरी ऐसी है कि जो सिर्फ लॉकडाउन में है इसीलिए ऑनलाइन बाय कर रहे हैं. The moment they will see, जैसे मैं Netflix पे देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, but me, my wife and my daughter are waiting for the malls to get start so that we can go out, क्योंकि वो एक experience है हमारे लिए. And I mean that's what मैं उस segment में बैठता हूँ. तो इंडिया थोड़ा time लेगा online को, और कम से कम क्यों, इंडिया का internet infrastructure ही नहीं है ना. आपको पता है ना कि लोग जो बहुत सारी छोटे गाँव में जो schools है, वो schools को तो online schooling चालू ही नहीं करता है क्योंकि वहां पे internet ही नहीं है. तो इंडिया को अभी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंटरनेट को अचीव करने में काफी वक्त लगेगा. बट हाइब्रिड मॉडल ये हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब इवन इन मार्केटिंग. सो ऑनलाइन ऑफलाइन, अब वो रेशियो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा कोविड के वजह से. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवन एनीथिंग, नॉट ओनली रिगार्ड्स टू कोविड वगैरह, बट आपको हाउ वाज इट लास्ट वीक, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस. तो मुझे एक बात थोड़ा सा सजेस्ट करना था कि थोड़ा सा ग्रुप को लेके है, मानो कि हम अभी इसमें अभी क्योंकि इंटरेस्ट जो ग्रुप का इंटरेस्ट है उसके ऊपर उसको प्रमो उसको एक इंकरेज करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे. ऐसे बिकॉज अभी सी जैसे आज का एजेंडा हमारा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही हम स्टिक रहते हैं. रिगार्डिंग न्यू सजेशंस एंड आइडियाज, एनीवेज अगला गुरुवार आपका रहेगा जिसमें यू कैन डिस्कस, यू कैन कम अप विद आइडियाज. और एक्सेल शीट में भी देखो एक कॉलम दिया है जहां पे यू कैन पुट मोर इनपुट्स, किसको और कैसे कर सकते हैं, नए मेंबर्स को लाना है. बट आई टेक इट पॉजिटिवली, ये अच्छा रहा आपका इनपुट. बट अभी किसी को कुछ क्वेश्चन होगा और एनीथिंग, या सौरभ प्लीज, एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर यू सौरभ, योगेश, विकास, इफ यू हैव एनीथिंग एनीथिंग. I'm okay with any question. Huh? ऐसा नहीं है कि सिर्फ business related ही है, even mental level पे, motivation level पे, because I want to do that. हाँ सौरभ. Yeah, something like that only, Vikrant, like you said. So yeah, so the thing is like from 1st of July, August, we have been getting almost like good amount of customers in our store. Okay. Fantastic. Yeah.
this is a very good news. But like every day we are getting approximately 3 to 4 customers in store, like it used to happen in the last times before COVID. But the thing is, there has been no conversions. Okay, so Just a second. I want to understand, when you say 3 to 4 customer, means 3 to 4 inquiries are They are walk-ins. They are walk-ins. Coming in. Basically, in like today was holiday, so like in last 5 days, you can expect approximately around 11 customers. Yeah, we had got. Okay. Okay. But the thing is, there had been no conversions yet. Okay. 11 में से एक भी नहीं है. Yeah, and the thing is, it's not about the budget. It's not about the pitching part and all those. Everything is prompt. I mean, so everything is convinced and all. But I just means like I would like to know that what is customer thinking now. Even we are not getting what is happening right now. Like customers are okay with the vehicle. Okay, they don't have a budget issue. Next, they want to buy the vehicle. There had been approximately 3 tokens. Three tokens means we take a token and then we deliver the vehicle the next day. We make completely prepare it and deliver the next day. So there had been 3 tokens, but all of them have cancelled the vehicles. Means like we don't refund the tokens, obviously. But yeah, like that was the only income we got, actually, the token. So which is like very minute. So I'm actually not getting where the problem is arising, you know. Okay. So Saurav, अभी हाँ, now you see this perspective. मेरा perspective देखो कि अभी अगर मैं जून से compare करता हूँ, sorry जुलाई से compare करता हूँ, तो walk-ins में is there growth? Yeah, walk-ins have been grown. Wow, so that's an amazing thing, हाँ, क्योंकि walk-in, see lead का जो cycle है, मतलब right from you getting the contact number, then people walk in, and then they getting converted on the first visit or maybe on the follow-up. अब ये पूरे साइकिल में कैन वी से दैट देयर इज अ पॉजिटिव साइन कि नाउ एटलीस्ट दे आर कमिंग कंपैरेटिवली. अगर आप बोल रहे हो पिछले व्हाट टुडे 6 एंड इन 6 डेज यू हैव 11 इंक्वायरीज, तो इसको थोड़ा सा आप ये करो, तो मतलब लेट्स से इसको एस्टिमेट प्रोजेक्ट करो कि ये 1 मंथ में कितनी इंक्वायरीज हो जाएगी इसी पेस से. इसी पेस से अगर जाएंगे तो या अप्रोक्सीमेटली 26 27 इंक्वायरीज जाएगी. मुझे बताओ कि प्री कोविड और रादर जुलाई में कितनी इंक्वायरीज थी walk-ins, तो इट वॉज वेरी लेस. जुलाई में मीन्स अप्रोक्सीमेटली वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 15 कस्टमर्स फुल ऑफ मंथ. Walk-ins. और जून में कितना था? जून में it was low, मतलब it was very less. Number? Probably 8 customers, I guess. Okay. और मई में कितना था? मई में it was zero, it was there. It was 3 or 4. Don't remember the exact number. The last few days means after 25th we got. Okay. और अप्रैल में कितना था? अप्रैल zero था, I guess. Zero. क्योंकि मई में ही अपना first session हुआ था, if I'm not wrong. So, अभी आप देखो जैसा मैंने लिखा है, if Vasudha, you would have been also written it, that would be great. कि April 0 walk-in, May 4 walk-in, June 8 walk-in. I want Neha, Vikas and Pranit to also listen to this. Huh? April 0, May 4, June 8, July 15, August 40. So, ये तो spike है, ठीक है? अब अपन conversion ratio देखते हैं कि जुलाई में 15 में से कितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी. What was the conversion rate? 15 में से we did approximately 9 was in June. 9 was in June. हाँ, 3 sales. We did just 3 sales. 15 में से 3. June में 8 में से 2. नहीं, June में it was 9 conversion. June में it was 9 means कोई एक follow up में हुआ होगा कंडो. That is renewal was also there. We have buyback scheme, no? बायबैक रिन्यूअल्स हुए थे वहाँ पे 3, तो इट वाज 6 एक्चुअली जो वॉक-इन्स हुए थे एंड 3 वर बायबैक रिन्यूअल्स. ठीक है. सो जून में फिर ये कितना लिखूं मैं कन्वर्जन? यू कैन टेक इट 6. अच्छा, और जुलाई में? जुलाई में 3. और मई में? मई में इट वाज 3.
ओके तो देखो मे का आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 90%, जून में 70%, एंड देन जुलाई में आपका 15 में से 3 है अगेन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगस्त अगर ऐसे ही जाता है, इसी रेशो से जाता है अगर, लेट से एवरेज, एवरेज कितना हुआ आपका मई जून जुलाई का? 3 एवरेज कन्वर्जन रेशो, 6 + 3 = 9, 12 हाँ, सो अगर 4 है आउट ऑफ, नहीं मुझे परसेंट में चाहिए, 15 + 9 = 24 और 28 में से 4 मतलब कितना परसेंट हो गया, 4 × 4 = 16, 30% क्या? 25 तो 40 का 25% कितना हुआ? 40 का 20% will be 8 25% 10 आ जाएगा, ओके। सो इफ बाय एंड ऑफ द अगस्त अगर इसी एवरेज से निकालते हैं, आपका पास्ट रिकॉर्ड से निकालते हैं अगर, यू नो, तो आपका 10 का क्लोजिंग होगा इस मंथ में। ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, ये बेस्ड ऑन व्हाट यू डिड, व्हाट यू परफॉर्म। Exactly. If you see our targets ना, जो हमने इस मंथ के सेट करके आपको 6 months का प्लानर भी भेजा है, it is based on this only because we have set very realistic targets. हमने कुछ मतलब unrealistic वो बहुत ज़्यादा achieve करने वाले नहीं बनाया। We have set 10 का target for this month, August. So that is the reason कि हम भी इसी अगर ratio से चल रहे हैं, but already week one has gone. So we are doing weekly reviews also. So no, week one will be ending on this weekend. It's not gone. Yeah. So we have to get minimum of 3 sales by this weekend anyhow. Where the problem is coming, Vikrant, you know, उसमें क्या हो रहा है ना कि last month the concern was really high for coronavirus, you know. तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि जितने भी सेल हुए we were satisfied. बट जब से अगस्त से सब कुछ ही खुल गया है, एवरीथिंग इज ओपन, इंटरनेट स्कीम वाला सब कुछ सब बंद हो चुका है, एवरीडे द ऑफिस इज ओपन, हर एक दिन काम हो रहा है, वॉक-इन्स भी आ रहे हैं, इंक्वायरीज भी आ रही है, बट द कन्वर्जन हैज रिड्यूस्ड, मतलब द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट, आई गॉट इट, हां कि इंक्वायरीज जितनी आ रही है उसमें से जितना कन्वर्जन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड योर क्वेश्चन वॉज के वॉट एग्जैक्टली कस्टमर्स आर थिंकिंग, ठीक है। Exactly. तो अभी लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे अगेन आई रिपीट के वॉट कस्टमर इज थिंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉट यू आर थिंकिंग, ठीक है। Now, थोड़ा सा इंटेंजिबल है ये चीज, बट अगेन गोइंग बैक टू बेसिक, दैट व्हाट इज इन योर माइंड, एज आई हैव शेयर्ड इन द लास्ट सेशंस एज वेल, के यू आर द हीरो एंड थ्रू योर थॉट्स यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग टू योर बिजनेस। सो 2 मिनट के लिए आपको ये छोड़ देना है के व्हाट दे माइट बी थिंकिंग, और समटाइम्स एनालिसिस, वो बोलते हैं ना कि टू मच एनालिसिस इज अ पैरालिसिस, तो एनालिसिस पार्ट को कम करके अगर इनसेन की तरह यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कि करना ही है बस, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सेल्स का जो भी एफर्ट है, मतलब जो भी आपका सेल्स का प्रोसेस है, आप अगर इनसेनली उसको करते हो, तो एनीवेज आपके नंबर्स तो बता रहे हैं कि आपका 8 से 10 क्लोजिंग तो ऐसे ही होने वाला है, जैसे आप करते हो वो तो वैसे ही होने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज नाउ ये हो गया कि पहले आपको वही आपके माइंडसेट को चेक करो आप, if you are doing it ritually in the morning, meditation कर रहे हो या thinking time, तो पहले देखो कि what is going on in your head, and this head is very challenging. Let me tell you, मैं भी पिछले कुछ दिनों से ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि 2-3 दिन से मैंने मेरे thoughts को ना monitor नहीं किया, and somehow I think परसों से मुहूर्त निकला वापस meditation का, मेरे साथ थोड़ा पंगा होता है, मेरी जब batch खत्म हो जाती है ना तो मैं थोड़ा loose हो जाता हूँ, मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो थोड़ा 1-2 दिन I don't work hard. तो वो 2 दिन में क्या होता है, आई गेट एक्सपोज टू ऑल दोज निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एनर्जीज, ऑल दो, और अभी थोड़ा फ्रेंडशिप डे भी था ना, तो मेरा क्या है, मैंने सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स को इनिशिएट कर करके फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। अब ध्यान से सुनो, फ्रेंडशिप डे में मेरे सारे फ्रेंड्स कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंड यू विल बी शॉक टू नो कि मुझे भी उनके साथ थोड़ा हैप्पी फ्रेंडशिप डे की बात करके, तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है सुन के, मुझे भी जॉब के थॉट्स आए, मुझे भी लगा कि अरे यार उनका लाइफ कंफर्टेबल है, मैं कितना स्ट्रगल करूं, एंड ऑल दैट स्टफ। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो मेरे हेड में हुआ, जब मैं 2 दिन से मेडिटेशन करने लगा तो आई रियलाइज कि अरे यार मेरा एंटरप्रेन्योर ही चला गया यार माइंड में से, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। देन आई रियलाइज कि मेरा एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि आई थिंक आप में से फेसबुक पे देख रहे होंगे, तो मेरे 3-4 स्कूल के ग्रुप्स है,
So I got connected with almost every group. I have completed the target of 5 friend circle. So मैं धीरे-धीरे Facebook पे photos डाल रहा हूँ. But here I want to convey, मेरे सारे friends job वाले हैं. Most of them are well settled. Entrepreneurs are never settled. हम settle नहीं हो सकते. That's the reason we are entrepreneurs. तो जब मेरे जैसे इंसान के साथ हो सकता है कि मेरे thought process में problem आए, इसीलिए मेरे थोड़े sales में issue, मेरे payment के issue या जो भी issue है, because in my mind there is something के अरे something COVID के वजह से पैसा नहीं आ रहा है, मेरे client के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है. और ऐसे समय में मुझे एक training का assignment आ जाता है. जिस दिन आता है उसी सुबह को मैं प्रॉपर मेरा मेडिटेशन करके, मेरा विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वो जो भी मैं करता हूँ वो मैंने किया. और उसी दिन आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होता है. अब इसके थ्रू मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एवरी डे द क्वेश्चन इज, आर यू चेकिंग वॉट इज हैपनिंग इन योर हेड? आर यू दैट सुपर डुपर एक्सट्रीम पॉजिटिव? इफ येस, देन लेट्स मूव टू द कस्टमर एंड. के अब जो मतलब जो टेंजिबली आपका क्वेश्चन है कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो कस्टमर के दिमाग में यही चल रहा है कि कस्टमर इज जस्ट वेटिंग फॉर एग्जैक्ट वैक्सीन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों के जॉब्स गए हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, बहुत लोगों ने तो जॉब्स चेंज भी किए हैं, बहुत लोगों को इंक्रीमेंट मिली है, बहुत लोगों को, आपको पता है ना, ये अंबानी जी ने तो उनका कुछ तो 2.5 बिलियन का तो लोन्स रिपे किया इसी पीरियड में. तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर हैपनिंग, देयर इज सम पॉजिटिविटी इन द मार्केट. So, कस्टमर क्या सोच रहा है? कस्टमर इज somehow इन द वेट एंड वॉच scenario. थोड़ा सा जो पहले पेमेंट करने का जो डिसीजन जिस कस्टमर्स का होता था, आपके केस में बता रहा हूं, वो कस्टमर अब थोड़ा दो बार और सोच रहा है. ठीक है, अब उसको थोड़ा सा पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं होता तो वो वॉक इन नहीं आता. आज अगर मैं आपको आपकी लीड की हॉटनेस बता रहा हूं, आपकी लीड ये जो कितने बोले आपने, 11 पीपल. आप सोचो, सौरभ एंड वसुधा, मैं मेरे घर से अभी सिर्फ एसेंशियल के लिए निकल रहा हूं, मैं एज अ यू नो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है. तो आप सोचो, आपके पास जो 11 लोग आए वो कंफर्ट जोन ब्रेक करके आए हैं, क्योंकि आज घर से बाहर निकल रहा है मतलब उसको पता है कि उसको रिस्क है, तो वो इसीलिए आए हैं बिकॉज दे आर इन द नीड. ये बात तो उतनी ही श्योर है, राइट? अब सवाल है कि वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुए. तो उसकी दो साइड है. एक तो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में ही आपको कहीं ना कहीं वो ढूंढना पड़ेगा, कहीं तो भी है लूप, कहीं तो भी. इट कैन बी अ बजट, इट कैन बी योर पिचिंग स्टाइल, शायद वो उस पैशन से बेच नहीं पा रहे हो आप जैसा, क्योंकि हुआ ही है ना, ये सबके साथ हुआ है. ये 3-4 महीनों में ना सबके माइंडसेट खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ब्लडी दिस मीडिया. तो कहीं ना कहीं आप खुद को पूछो और देखो, क्या ये मैं उस तरह पिच कर पाया या 11 लोगों को जिस तरह मैं पिछले लेट्स से मई महीने में मैंने पिच किया था, या मेरे पहले साल में मैं पिच किया था, या जब मैं जॉब पे था, मेरा बॉस जब मेरे हेड पे बैठता था, क्या मैंने उस पैशन से पिच किया? अगर किया होगा तो कहीं तो भी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुछ कस्टमाइज नहीं कर पाया. मे बी दैट माइट बी अ बजट और समथिंग समथिंग समथिंग. ये है उसकी दूसरी साइड. तीसरी साइड है कि अब फॉलो अप सिस्टम ये और रोबस्ट बनानी पड़ेगी. आप में से शायद, आई डोंट नो, कुछ लोगों के बैंक्स के लोन ईएमआई वगैरह चल रहे होंगे ना, तो नाउ उसी दिन किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा ना, हाँ अमित ने ही पूछा बैच में, कि संडेस को क्यों बैंक्स फॉलो अप कर रही है आजकल, पहले संडेस को कॉल नहीं आते थे. इट इज बिकॉज उन्होंने उनके सिस्टम को और रोबस्ट किया है पैसा वसूल करने के लिए. तो आपको भी आपके फॉलो अप, पहले अगर आपका फॉलो अप 2 कॉल से होता था तो अभी आपको शायद 4 कॉल करने पड़ेंगे, या फिर आपको उनको कुछ और कंफर्ट जोन देना पड़ेगा कि सर एक बार और आइए ना, या फिर सर मैं बाइक लेके आता हूँ, एक बार आप आके गए, आपने बाइक देखी, एक बार मैं आता हूँ, या समथिंग लाइक दैट, या फिर कॉल पे ही यू आर. सो इट इज लाइक यू डोंट क्विट, यू हैव टू कीप इट इन योर हेड कि 11 लोग आए हैं मतलब ये 11 लोग मेरी अपॉर्चुनिटी थे, ये 11 लोग में से कहीं तो भी मेरे से कुछ गलती हुई है. और रहा सवाल कस्टमर क्या सोच रहा है, तो थोड़ा तो है यार, मतलब थोड़ा ग्लिच है कस्टमर का माइंड. जैसे मैंने सेशंस में भी बोला ना, ये हर महीने चेंज हो रहा है, ये मतलब बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन लोगों को जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखती है, दे आर समहाउ कंफर्टेबल, समहाउ हैप्पी एंड दे वांट टू पे. लोगों को जैसे ही लगता है कि अरे रे नहीं, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, अरे लोग जब जब लोग न्यूज को एक्सपोज हो रहे हैं, या मेरे साथ भी होता है, मैंने न्यूज हेडलाइन भी देखी ना तो मुझे लगता है अरे अरे वापस ये होने वाला है, वो होने वाला है. और जब मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स को देखता हूँ, कोई उधर लाखों में कमा रहा है, कोई करोड़ों में जा रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट अवर परफॉर्मेंस. इट्स ऑलवेज अबाउट अवर परफॉर्मेंस एज एन एंटरप्रेन्योर. अब थोड़ा बहुत आप अगर उनके माइंड का भी और समझना है,
तो थोड़ा बहुत आपके इंडस्ट्री एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान दो, मतलब कॉम्पिटिटर्स का कैसा है, रेट में कुछ फर्क पड़ा है क्या सेल्स के. बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि उसमें ज्यादा ना जाना ही ठीक रहेगा, बिकॉज एज आई नो यू सौरभ, मतलब आप थोड़े मेरे जैसे हो, आप हम लोग थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करते हैं चीजों का. एनीवेज वी एमबीएज आर समहाउ थोड़ा बहुत ज्यादा करते हैं हम, ये हमको मानना पड़ेगा. वी ऑल आर एमबीए आई थिंक, यहाँ पर नेहा भी है. तो कहीं ना कहीं हम काम कम और सोचते ज्यादा है, कहीं ना कहीं हम प्लानिंग ज्यादा करते हैं और एग्जीक्यूशन कम करते हैं. ये हमारी डिग्री का प्रॉब्लम है, हम सबका है, इवन मेरे अंदर भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है. तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड से निकाल देना है कि कोविड विविड क्या चल रहा है चलने दो, मुझे मेरा प्रोसेस और रोबस्ट बनाना है, सेल्स प्रोसेस, फॉलोअप सिस्टम, कस्टमाइजेशन, एंड दैट्स इट. बाकी कस्टमर थोड़ा वेट एंड वॉच में है, मतलब टू प्रिसाइजली मुझे अगर एक सेंटेंस में आंसर देना था आपके क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनेरियो चल रहा है अभी कस्टमर का, और थोड़ा फिर आपको सेगमेंट को भी स्विच करना पड़ेगा. हमने एक अपग्रेडेशन स्कीम लाया है और जहाँ पे कन्वर्जन्स हुए हैं, तो तीन से चार गाड़ियां हमने बेची थी उसमें अपग्रेडेशन स्कीम में, उसमें से दो गाड़ी वापस आ गई. द गेम मींस उन्होंने बोला कि किसी ने बोला कि एक का हस्बैंड हॉस्पिटल में, सो अपग्रेडेशन स्कीम इज समथिंग लाइक कि pay less amount and then upgrade it accordingly, and फिर आप next गाड़ी vehicle जो भी चाहिए आपको desired vehicle वो आप upgrade कर सकते हो बाद में paying the rest of the amount. उसमें क्या हो रहा है कि वो गाड़ी वापस आ गई. अब क्या हो रहा है, you know, so वो upgradation में क्या होता है कि we anyhow means we are only stuck. मतलब they are not taking the vehicle, we have to anyhow take the vehicle because वो उनके पास पड़ा रहेगा, तो I know कि वो लोग फिर कभी लौटाने वाले भी नहीं right. है कभी right. वो चलने वाला भी नहीं है right. So, right. hang always. तो वो ले लेना ही समझदारी है अपग्रेडेशन. बिहेवियर में तो काफी हुआ क्या है ना, ये कोविड के वजह से ना somehow मेंटल लेवल पे पीपल आर नॉट दैट स्टेबल मेंटली ही. फॉरगेट अबाउट द फाइनेंसेस, मेंटल लेवल पे पीपल आर नॉट दैट स्टेबल, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव. एक कहावत आपने सुनी होगी पता नहीं, बट विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ऐसा बोलते हैं, कभी सुना है क्या? इसका मतलब ये होता है कि जब टाइम या फिर जब एरा अच्छा नहीं चलता है ना, तो लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर भी खराब हो जाती है. सो पीपल माइट यू नो सम पीपल माइट टेक सम बैड डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ यू नो जॉब बिजनेस. दूसरा रीजन ये है कि जब ऐसा टाइम चालू होता है ना, तो नोबडी, सो योर एनवायरमेंट इज इन अ प्रॉब्लम ना. आप किसी से भी बात करो, यू हैव दैट मतलब नेगेटिविटी है. आप कुछ भी उठा के पढ़ो, कुछ भी मूवी, अरे आप एड्स भी देखोगे तो एवरी डैम पर्सन इज एक्चुअली गॉट ट्रैप्ड इन दिस कोविड. तो इसीलिए लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा विम्सिकल इज नॉट अ गुड वर्ड, बट समहाउ अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है. एनीवेज कस्टमर की कैटेगरी या अनसर्टन की कैटेगरी है, उसमें इंडियन कस्टमर तो और भी ज्यादा अनसर्टन है. अब उसमें समझ लो कि कोविड की वजह से ये और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं. तो रैदर देन, क्योंकि हम अगर उसमें ज्यादा जाएंगे ना, तो क्या होगा ना, उसके वजह से देन हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा. मतलब इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट हैज बिकम सो अनसर्टन, व्हाई, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पीपल्स माइंड इज कॉम्प्लेक्स. अब मेरी वाइफ बताती है ना, कुछ पेशेंट्स तो ऐसे है जिनको एक्चुअली फिजिकली वायरस नहीं है, बट मेंटली उनको इतना डर बैठ गया है, इसीलिए वो एडमिट हो जाते हैं. तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट जस्ट थोड़ा सा उसको आप थ्योरेटिकल करो. मतलब जब आपको ये जानना है ना, तो आपका कस्टमर क्या सोच रहा है, ये आपको क्वेश्चनिंग कर करके ही पता चलेगा कि सर क्या प्रॉब्लम है. मेड अ सर्वे फॉर्म, क्या हुआ, एनीबॉडी इज कमिंग फॉर द दिस इंस्पेक्शन और इंक्वायरी फॉर द व्हीकल, हम उनसे पूरा ऑक्यूपेशन, एज, एवरीथिंग वी आर डूइंग, कि फॉर व्हाट रीजंस यू आर बाइंग द व्हीकल, एवरीथिंग वी आर उनसे भरवा रहे हैं अभी, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज द कस्टमर कि वो क्या सोच रहे हैं. फॉर क्वेश्चन के बाद वी आर उन्होंने तो बोल दिया कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हो रहे हैं, सो हम नहीं दे पाएंगे अभी फिलहाल आपके.
तो टोकन कितना परसेंट होता है? टोकन इज 2000. तो दे आर नॉट वरीड अबाउट द टोकन. They are asking for it, but it is a policy. We will not refund it. It's your decision because you have checked the vehicle, everything. It's your decision. You are buying it, so that's the reason. We token receipt ke niche wo mention karke dete hain. It's in the written form that token is not refundable. Okay. Okay. So token ko revenue model bana do. Margin zyada hai. Target 100 people giving you 2000 rupees ka token. And that's a revenue of 2 lakh, जिसमें आपका inventory आपके पास ही रह गया. It's also there, right? So it's a revenue because that's not your fault ना कि वो token दे रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं. That's not your. हमारे केस में भी होता है. Let me tell you, बहुत सारे लोग batch में enroll करते हैं, उसमें से इक्का दुक्का तो batch complete भी नहीं करता है. One on one mentoring session का तो देखा मैंने, ये mostly aspiring entrepreneurs थे ना अभी तक के हमारे category में. तो जो थोड़ा सा जॉब के साथ थे या अर्ली स्टेज पे थे और ऑल इनोवेटिव आइडियाज, तो मेरा रेशो रहा है कि 80% ऑफ द पीपल हु हैव टेकन अ फाउंडर्स फ्रेंड प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है ना वन ऑन वन मेंटरिंग का, आपका थोड़ा कस्टमाइज्ड है फंड रेजिंग के लिए, इसीलिए सुरेश को वगैरह इन्वॉल्व किया है. लेकिन जनरली जो वन ऑन वन मेंटरिंग का प्रोग्राम है, उसमें आखिरी के दो मीटिंग्स जो होते हैं वो लोग लेते नहीं है. हमारी टीम फॉलोअप करते हैं, वो इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि समहाउ उनका बिजनेस का डिसीजन क्लोज हो जाता है. आइडिया वैलिडेशन की प्रोसेस में उनको ये रियलाइज होता है कि ये आइडिया वर्क नहीं होने वाली है, या फिर थोड़ा सा मेरे से डरने लग जाते हैं, शायद ऐसा कुछ हो जाता है. बट एक या दो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं वो. नाउ नॉट माय फॉल्ट, राइट? बिकॉज आई एम देयर, आई एम स्टिल देयर. तो ऐसा है, मतलब इट्स अ रेवेन्यू, अगर उसमें भी कमा सकते हो. क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि कमाने के 100 तरीके ही ढूंढना पड़ेगा. थोड़ा सा ब्रांड को डायल्यूट हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमेशा डर मन में डाल दो. मैं अभी भी डाल रहा हूँ कि ब्रांड वर्सेस डेथ, सर्वाइवल. हाँ, सर्वाइवल. डेथ वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ ताकि आपको वो भय रहेगा कि अरे ये ब्रांड बनाने के चक्कर में हम अगर हमारे डेली रेवेन्यूज नहीं जनरेट कर पाए, है ना, कल होके अगर ऑफिस का रेंट बंद करना पड़ा. एम्प्लॉयज तो एनीवेज आई थिंक आपके भी केस में वैसे ही है ना, एम्प्लॉयज तो है नहीं अभी, एक ही है शायद. नो वरीज, वी आर ओनली देयर. हाँ, नहीं वो एक बंदा वो भी हमने निकाल दी. निकाल दिया, दैट्स गुड, गुड डिसीजन. आई एम हैप्पी, दैट्स अ गुड डिसीजन, अमेजिंग डिसीजन. बिकॉज सी, कॉस्ट बचना इज अ प्रॉफिट. अब आपको ऑफिस का भी डिसीजन पे सोचना है वापस, रीथिंक करो उस पे. या वी हैव डन दैट आल्सो. हमने काफी लोगों से कांटेक्ट किया है फॉर द इन्वेंटरी पर्पस, बिकॉज़ इन्वेंटरी तो एनीवेज हमें रखना पड़ेगा. सो नोबडी इज टेकिंग रेंट बिलो 16 17 एंड 18. हां, 16 इज द लीस्ट, पर वो इतना छोटा एरिया है कि उसमें हमारा इन्वेंटरी सेट नहीं हो रहा है. आ जाएगा नहीं, राइट? डे बाय डे इन्वेंटरी बढ़ रही है, एंड डे बाय डे इन्वेंटरी बढ़ बिकॉज़ गाड़ियां वापस आ रही हैं. बाय बाय, वी हैव गॉट एप्रोक्सीमेटली 7 बुकिंग्स जो गाड़ी वापस आने वाली. ओके, ओके. इन दिस 5 डेज वी गॉट, सो वी हैव टू पे देम आल्सो द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. तो इन्वेंटरी को मूविंग रखने के लिए रेंट, आई थिंक लास्ट टाइम कुछ एक दो आइडियाज शायद सेशन में हुई थी या बैच में, आई डोंट नो. हम लोग वही कर रहे हैं, दैट इज व्हाट. मतलब अगस्त में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में सब आने लग गए, जैसे ही लॉकडाउन खुल गया ना, लाइक यू सेड अर्लियर, सब आने लग गए. और फिर नाउ दे आर मोर कंफ्यूज्ड. फिर पुणे के केसेस थोड़े पड़ गए, दोनों बोले भैया हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा. सो इट्स जस्ट दैट कि वी आर प्लानिंग पोस्टपोनिंग द डिसीजन. मैं कल परसों एक पोस्ट डालने वाला था कहीं लिंक्डइन पर कि एज अ मेंटर आई हैव यू नो वर्कड विद सो मेनी स्टार्टअप्स एंड सो मेनी सिचुएशंस आई हैव गाइडेड, बट प्रोबेबली दिस इज माई टेस्टिंग. मतलब एज अ मेंटर भी मेरा ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि मेरे व्यूज या मेरे ओपिनियन उनको हेल्प कर रहे हैं या, बिकॉज ये सबसे टफेस्ट टाइम है ना. आई मीन एवरी कॉल, एवरी सजेशन, एवरी एडवाइस एंड योर एवरी डिसीजन हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर वाला चाह रहा है कि बस थोड़ा देर ब्रीथ करो, थोड़ा महीने रुको. रुको इन द सेंस यू कीप डूइंग योर वर्क, यू कीप रिसर्चिंग, यू कीप मेंटेनिंग द ब्रांड, यू कीप यू नो, और थोड़ा थोड़ा सेल्स चालू रखो, कॉस्ट को कम रखो. ऊपर वाला चाहता है कि जैन 21 के आगे एक बहुत क्या बोलते हैं, एकदम राजयोग, राजयोग बोलते हैं ना, राजयोग इन द सेंस कि एवरीथिंग विल बी लाइक हेवन फॉर यू गाइस. सेल्स बहुत है, मार्केटिंग, ऐसा चाहता होगा. लेकिन वो फिर पेशेंस, और पेशेंस की कॉस्ट है, चैलेंज वहां पर है. तो कॉस्ट को जितना जितना रिड्यूस करेंगे, यही आप इमेजिन करो. आई थिंक आप उड़िया से हो ना सौरभ, यू आर उड़ीसा से. उड़ीसा वर्सेस पुणे में कॉस्ट कहाँ पे कम है लाइफ का? उड़ीसा में. और आपका वसुधा? पंजाब. पंजाब में टाउन है या सिटी है कोई?
City, city, it's a Which city? The Soa. It's nearby Jalandhar. But I'm sure कि वो पुणे से comparatively कम ही होगी. कम है, right? तो अब आप सोचो कि आप दोनों अगर या तो जैसे वसुधा का नाम है, वसुधा के टाउन का भी नाम याद नहीं रहा मुझे, बट अगर आप पंजाब में होते या सौरभ आप लोग उड़ीसा में होते, तो आपको नहीं लगता कि आपका पेशेंस और ज्यादा होता? Yeah, right. ये प्रेशर जो है ना हमारा, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर पीपल, हमारा प्रेशर दो या तीन चीजों का है. एक, यहाँ पे हमारा ऑफिस शॉप का रेंट भी ज्यादा होता है, अगर खरीदते भी है तो ईएमआई भी ज्यादा होता है. दूसरा, अगर हमारा घर खरीदा हुआ है तो भी ईएमआई ज्यादा होगा, आपका रेंट होगा तो रेंट भी ज्यादा ही है ना. इवन आई थिंक इफ यू गाइज आर स्टेइंग इन पिंपल्स सौदागर, यू गाइज माइट बी गिविंग समवेयर अराउंड 15-17K. More than that. हाँ, तो वो भी बहुत ज्यादा ही है. थर्ड इज, हमारा जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय है वो भी ज्यादा ही होता है. वो भी बहुत ज्यादा ही होता है. तो ये कॉस्ट ही तो प्रेशर कर रहा है ना हमको. ये हमको क्यों नहीं बता रहा है वो एग्जांपल्स कि बाबा एप्पल को 30 साल लग गए, डिज्नी को न जाने, कोको कोला को 100 साल लग गए, फेसबुक को 20-25 साल लग गए, आपकी होंडा को आई थिंक 30-40 साल लग गए. कौन सी ऐसी कंपनी है जो 5-7 साल के पहले एकदम? तो ये पेशेंस, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है हम सबका. और पेशेंस, हाँ मतलब पेशेंट, मतलब I'm telling him that बस अभी गाड़ियाँ आ इसलिए रही हैं because हमारा inventory जब बड़ा हो जाएगा, when people will be back in Pune, जो घर चले गए हैं, when they'll be back, they need it. Yes, so yes. उस time एक ही महीने में it will be sold out. और आपके इंडस्ट्री में तो 3-4 पॉजिटिव न्यूज है. पहला न्यूज ये है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि पीपल आर गोना गेट इनटू द सेकंड हैंड व्हीकल. ये बढ़िया न्यूज है. सेकंड न्यूज, लेटेस्ट मुझे ये भी पता चला है कि कैब्स और ऑटो का यूसेज कम हो गया है बिकॉज ऑफ, तो इन्फेक्शन का डर है. तो नाउ एवरीवन जो कैब और ऑटो को एक्सेप्ट कर चुके थे, सोचो ना, ओला और उबर के लिए गंदा टाइम है बट क्लच हिल के लिए बढ़िया टाइम आने वाला है. तो अभी क्लच हिल के, अभी टू व्हीलर का डिमांड बढ़ जाने वाला है. ठीक है, अब मेरा कल या परसों मैंने न्यूज में पढ़ा कि नाउ पीपल जो भी पुणे मुंबई से बाहर निकले थे, नाउ दे आर डेस्परेटली वेटिंग टू कम बैक टू पुणे. इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्टार्ट होने वाली है. तो ऐसा है, समझ लो, अगर मैं तुमको एकदम एज योर एल्डर ब्रदर और समथिंग इफ आई वांट टू गाइड यू ना, तो मेरा कहना यह है कि तुमको 2 या 3 महीने तो सांस लेते रहना है. सांस लेते इन द सेंस, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने अप्रैल निकाला, आप सोचो ना, अप्रैल यू वर जीरो सेल्स, बट यू हैव, मैंने आपको पहले मीटिंग में यही क्वेश्चन पूछा था कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और यू वॉन्ट टू क्लोज. तो अप्रैल में तो जीरो था, उसके कंपैरेटिव आई थिंक जुलाई, लेट मी चेक, मई, जून, जुलाई, जो फिगर्स आपने मुझे दी है, इट्स ऑलमोस्ट 12 व्हीकल्स बिके हैं. तो 12 बेचे हैं आपने. यू डिड इट मैन, एंड यू कैन डू अमेजिंग सौरभ. मैं आपको बता रहा हूँ, आप हारने के लिए नहीं इसमें आए हो. आपको हारना होता तो आप शायद, तो वही है कि यू पुट योर एफर्ट मोर ऑन द सेल्स साइड. और दूसरा जो एरिया ऑफ कंसर्न है मेरा हमेशा, एक तो कॉस्ट का था जो आपने आई थिंक बताया मुझे, दूसरा है कि थोड़ा और रेवेन्यू मॉडल्स में काम करना पड़ेगा. सौरभ लक्षिल के केस में मैं सोच रहा था पिछले एक हफ्ते से, बट मेल नहीं टाइप कर पाया, कि कुछ और वैसे पैसा और वैसे. देखिए, मैं एक मेरा एग्जाम्पल बता दो, दिस माइट बी अ इंस्पिरेशन टू यू. आई एम मेजरली इनटू ट्रेनर एंड कोच. नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गेटिंग सम मार्केटिंग का वर्क. प्योरली आई विल हैंडल समवन्स डिजिटल मार्केटिंग. I will design their creatives. If you'll ask, kya rahe, Vikram, this is crazy. You have good speaking skills. Aapki batches, ye kyun kar rahe ho? Additional revenue. This is what entrepreneurial mindset is. Kya aapko additional dhanda dhundna hi dhundna hai. Ab wo kisme se bhi aaye, koi problem nahi hai. You can again go back to your maintenance wala thing. You can again go back. To aapko sochna hai. So see, I can have this vision ke Clutch Hill, jaise aapka tagline hai. What is your tagline? Complete two-wheeler solution. But that is not getting related to what you offer, huh? Yeah, I think us din main batane wala tha, but Suresh aur aap log flow mein the na. You are not into complete two-wheeler solution. When you say complete two-wheeler solution, matlab bahut sari cheeze aa gayi. Right. Hai na? To maintenance bhi aa hi gaya, accessories aa gaya, tires aa gaye, ye aa gaya, wo aa gaya. So now think, can you become? It was there, that's why that time complete. Us time. So can you think about being complete solution? Think about it. Abhi nahi bataya mujhe to bhi chalega, but you guys take time today ke can you add on? Ab ye mat socho ki operation hassle ho jayega. Now we are only 2 people. Ab sawal ye bhi hai ki kya 2 people pure 12-14 ghante ka bandwidth aapka pack ho chuka hai kya? I'm sure nahi hua hoga. ये दोनों के चेहरे पे जो लाली दिख रही है उससे तो नहीं हो रहा है.
बिजनेस और सौरभ आपको ये, और फिर वो 10-12 घंटे में भी आपको ये देखना है कि आप जो जो टास्क कर रहे हो वो सेल्स ओरिएंटेड ज्यादा है या वो कुछ और ओरिएंटेड हो रही है. सेल्स इज सेल्स बॉस, सेल्स इज जस्ट गेटिंग मनी फ्रॉम वेयर एवर वी गेट. मैंने आपको शायद एक दो सेशन में ये भी बताया था, बॉक्सेट वॉज इन टू फूड, बॉक्सेट स्टार्टेड गिविंग वेजिटेबल्स, स्विगी ने उनका एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जेनी नाम से, स्विगी जेनी, जिसमें वो एनीथिंग यू कैन पिक फ्रॉम, है ना, अगर मुझे कुछ, आपको ये पता होगा ना पिक एंड डिलीवरी वाला एक ये है ना डंजो ऐप. हाँ, तो स्विगी ने क्या किया है, स्विगी ने एक जेनी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है कि आप कहीं से भी कुछ भी पिकअप करके कहीं पे भी डिलीवर करवा सकते हो हमारे ऐप से. सी पीपल आर गेटिंग इनटू डाइवर्सिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल. तो उस तरह आपको भी, मैं तो आपको टू व्हीलर से ज्यादा डाइवर्सिफाई होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इनटू टू व्हीलर्स. इट कैन बी, आई डोंट नो, मतलब दिस माइट साउंड क्रेजी, बट इट कैन बी सेलिंग द सीट कवर्स फॉर एग्जांपल, इट माइट बी वॉशिंग द टू व्हीलर्स, it might be sanitizing the two wheelers. this can be amazing. I mean, I'll ask to my wife, kuch kar sakte kya aisa cook, ki you are actually sanitizing the vehicles, you are providing that service, you know, somehow. Then how about getting into four wheelers thoda thoda. See, main randomly phek raha hu aapke taraf, randomly kuch ideas de raha hu, but aapka kaam hai ki usko operationally analyze karna, but usme se implement wo cheez karna jisme paisa ban sakta hai. Kab tak? जब तक दिसंबर नहीं आ जाता है, या लेट्स से आपका, आपके टारगेट के हिसाब से अगर चीजें नहीं होती है, और जिस दिन आपको लग रहा है कि आप 14 आवर्स पैक हो गए हो, 14 आवर्स, 24 घंटे में से 14 घंटे इज एवरेज. आज हमारे इसमें कोई जॉब वाला नहीं, तो मैं उनको पूछने वाला था. आपको पता है जितने भी लोग जॉब में है ना, स्पेशली आई टी पीपल, आई आई टी आई एम वाले लोग, उनका काम दुगना तिगना हो गया है. तो हमको तो ये भी खुद को पूछना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आर वी पुटिंग दैट मच एफर्ट एटलीस्ट जॉब लेवल के. सुरेश से पूछ रहा हूँ, सुरेश का और आपका सेशन होगा ना अभी शेड्यूल, सुरेश इज इनटू जॉब ना, आपको पता है ना, मतलब सुरेश का अभी पहले वाला वेंचर तो बंद है, तो सुरेश का तो डबल ट्रिपल वर्क हो गया है. तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमको भी जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा, पहली बात तो मेंटली आपको बहुत सेटिस्फाइड लगेगा, यू विल नेवर एंटरटेन एनी नेगेटिव थॉट टू कम. मेंटली आपको लगेगा कि वाह, थक जाओगे आप. एंड सेकेंड थिंग इज कि फिर हजार जगह आप जब आप एफर्ट डाल रहे हो, थोड़ा सा फोकस नहीं रहेंगे एफर्ट्स, क्योंकि जब मैं मल्टीपल रेवेन्यू बोल रहा हूँ तो आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी ना. तो जब आप हजार जगह डालोगे उसमें से कहीं ना कहीं तो पानी लगने ही वाला है, ये तो मैं आपको 100%, क्योंकि जिस तरह आपने यहां तक लाई है गाड़ी क्लच हिल की, जिस तरह आपने डिसीजंस लिए है स्पेशली पिछले 3 महीने में, और जिस तरह आप कोविड के सबसे हार्ड टाइम में सर्वाइव हुए हो, उस तरह इट्स गोना बी अ, मतलब काफी बड़ा और सफर तय करना है आपको. बस रेवेन्यू मॉडल्स में और क्या करते आएगा जो क्विकली बिकेगा, क्विकली कुछ तो सोचो, क्विकली सस्ता हो चलेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को बस एक मेल चला गया आपके साइड से और उन्होंने फट से ले लिया, ऐसा कुछ सोचो. अगर उसमें आपको लगता है कि और लोगों के आइडिया चाहिए तो आप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. हाँ, इंश्योरेंस तो है ही, आई थिंक विकास उनका रेंट ऑन बाइक या फिर यू नो 1 hour का रेंट और समथिंग पिक एंड ड्रॉप समथिंग यू हैव टू कम अप विद समथिंग क्रेजी स्टफ. और आइडियाज के लिए मैं आपको बता दूं कि यू टेक द इनिशिएटिव ऑन दिस अपने लोग ग्रुप, जस्ट आस्क देम कि गाइस वी वांट टू यू नो जनरेट 1000 लेट्स से 10 न्यू रेवेन्यू मॉडल्स, तो उनके साइड से 100 आने दो, मेरे साइड से भी मैं कुछ आपको एड ऑन करता हूं, उसमें से आप उसको फिल्टर करो और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट. जिस दिन अपने लोग की मीटिंग में मुझे पता चलेगा प्रणीत के थ्रू के प्रणीत बोल रहा है कि आज सौरभ एंड वसुधा नहीं आ पाएंगे बिकॉज दे आर टू मच टाइड अप, उस दिन समझ जाओ कि कहीं ना कहीं यू आर एब्सोल्युटली ऑन द, कहीं ना कहीं बहुत एग्रेशन से हो रहा है, क्योंकि ये टाइम है एग्रेशन बहुत जरूरी है. इट्स वेरी मतलब ये जो टाइम है ना, इसमें जैसे मैंने बोला कॉस्ट बहुत कम, सर्वाइवल एम और बहुत ज्यादा एग्रेसिव,
aggressive towards sales and very creative, very adaptive. Shayad kal, you never know ki aapko shayad you might have to think about providing vegetable grocery, something like that. You can tie up with our people. Vikas is there, you know, 8 Farmers Wala is there. 8 Farmers Wala, Praful to Pimple Sodagar mein hi hai. सर मैं अभी अभी वही सोच रहा था सर मैं क्योंकि मैं कुछ अगर व्हीकल्स में सोच रहा था कि अगर डिलीवरी सर्विस मुझे अगर आउटसोर्स करनी है तो उसके अलावा हम कुछ व्हीकल्स इनसे ले भी सकते हैं, मानो कि अगर रेंट पे चाहिए तो रेंट पे भी ले सकते हैं इनसे. सो अभी विकास के केस में आई थिंक बाइक्स का नीड होता होगा ना डिलीवरी के लिए. बिलो के लगता है सर, जो स्मॉल अगर डिलीवरी है तो उनको हमें अगर क्योंकि वो बाइक डिलीवरी जो है वो सबसे फास्ट होती है. हाँ, विदिन वन आवर हम डिलीवर कर सकते हैं उसमें. हाँ, तो देखो अभी आप अगर चाहिए तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंटरी है एकदम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब तक आप लोग एक दूसरे से जेलप नहीं होते हो, आपका ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ता है, तब तक मैं भी एक दो बाइक से स्टार्ट करके देखा, समथिंग समथिंग लाइक दैट. कि जो मूविंग इन्वेंटरी, क्योंकि मेरे एंगल से ना, मेरे पर्सपेक्टिव से योर इन्वेंटरी इज योर फर्स्ट कंसर्न नाउ. वो कॉस्ट है आपका, वो कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना, वो चैलेंज है. और मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट ना अटके. हाँ हाँ, वैसा कुछ कर सको तो इट विल बी ग्रेट. और कितनी है बाइक्स अभी जो इन्वेंटरी में है? अप्रोक्सीमेटली 30 अभी तो. 30 ओके. एंड हाउ अबाउट एंड व्हाट आर द अदर वेज ऑफ सेलिंग इट बैक, नॉट टू द कस्टमर्स बट मे बी some other sources, maybe some other vendors on break even. You are saying B2B to again to dealers, some other dealers again back. We already had a word with them if like they need something, so wo to bol rahe aap humse le lo, matlab they are also in the same position, same also position, they have lot of inventory, sabka aajkal same cheez chal raha hai. कस्टमर इज नॉट देयर, सब B2C वेट कर रहे हैं. B2B में तो एवरीबॉडी इज एक्सचेंजिंग ओनली, मतलब कर ही नहीं रहे एक्सचेंज. सो इसमें मैं एक आईडिया दे दूं क्या? हां विकास, अगर इनके पास 30 व्हीकल्स है तो जो डिलीवरी के लिए वो जो व्हीकल्स लगता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ आप कस्टमाइज